Experience the thrill of PSL 9 live on A-Sports. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वैसे हम जो है, जब मैं मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए लोगों ने अपने जो ख्यालात हैं वो फिक्स किए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे शैतान ही होंगे। बस बच्चे जो है ना, अगर वो छोटे बच्चे हमने दावत में बुला लिया, हमें पता है शैतानी घर में होगी होगी, क्योंकि छोटे बच्चे जो आए, हम ये नहीं सोचते कि छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे वाले भी होते हैं, वो तमीज़ से सोफे पर जाके बैठ भी जाते हैं। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। फिर अगर हम देखेंगे, हमारे दिमाग में ये कि जो जॉब करने वाली औरत है वो तो बहुत आज़ाद ख्याल ही होगी भाई, और उसके पास शायद वो वैल्यूज़ नहीं होंगी जो घरेलू औरत के पास होगी। और हम ये जज करके सोचे बैठे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे के लिए तो भाई घरेलू ही लड़की चाहिए। फिर हम घरेलू लड़की के लिए भी ये सोचते हैं कि वो कहाँ बाहर निकल सकेगी, वो कहाँ बिजली का बिल जमा कराने जाएगी, वो कहाँ से ये ड्राइविंग करेगी। हम उसके बारे में भी जजमेंटल होते हैं और उसको भी हम फिक्स कर देते हैं कि ये वो करती होगी या ये वो नहीं करती होगी। सारी अजम्पशंस हमारी हर इंसान के लिए होती है, उसके प्रोफेशन को लेकर या फिर उसके ओहदे को लेकर। तो जो एक ओहदा होता है जिसे हम कहते हैं सास का ओहदा, तो वो सास जो है वो हमारे ड्रामों में भी अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव सी सूरत अख्तियार कर जाती है कि सास बस नेगेटिव ही होगी। ताने मारने होंगे तो वो सास ने मारने होंगे, जली कटी सुनानी होगी तो वो सास ने सुनानी होगी, अगर कोई वैम्प होगी ड्रामे में तो वो सास के रूप में होगी। सो हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट से ही क्यों सास को देखते हैं? पाँच उंगलियाँ बराबर तो नहीं होती ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि मियाँ बीवी की जब लड़ाई हो तो जो बहू का साथ देने वाला फ़र्द होता है उस घर में, वो सास भी हो सकती है और होती हैं। पोते पोतियों को संभाल के अपनी बहू को कहे कि तुम जाओ मैं तुम्हारे बच्चे संभालती हूँ, यानी कि बहू अपना करियर परसू करे शादी के बाद, बच्चों के बाद भी विद द हेल्प ऑफ सास से। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं कि पूरे पूरे बच्चे पाल पोस के सास ने दे दिए बहू को, और बहू कहती है कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे पल गए क्योंकि मेरी सास मेरे साथ थी। सो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन हमारा परसेप्शन सासों को लेके थोड़ा नेगेटिव बन चुका है, थैंक्स टू हमारे ड्रामा और थैंक्स टू इधर उधर की कहानियां सुनते सुनते। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी सासें ऐसी भी होती है कि वो आपकी एफर्ट्स को सराहती हैं, आपको अप्रिशिएट करती हैं, आपकी तरबियत को सराहती हैं और बार बार शुक्र गुजार होती है, तुम्हारी अम्मी बड़ी अच्छी, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी बड़ी अच्छी तरबियत की। और ये जुमले सुनते सुनते जब आप ये, कोई भी ऐसी बहू जब वो सास का सराहना सुनती है या सास ससुराल में सबके सामने बैठ के पीठ पीछे बहू की तारीफ करी होती हैं, सो बहू एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती है और उस दुनिया का नाम सुकून होता है। वो सुकून उसे मिलता है वो वाली बातें सुन के, जो कभी कभार यही तलवार वाले तीर उसे बेसुकून भी कर देते हैं। सो आज हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी अम्मी से कदम कदम पे कुछ ना कुछ ऐसा सीखा जिसकी वजह से उन्हें ससुराल में सराहा गया। सो बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपनी अम्मी से अब्जॉर्ब कर लेते चीज़ें। उस वक्त जब अम्मी सिखा रही होती है तब हमें बड़ी चिड़चिड़ रही होती है, लेकिन वो जो हम सीख रहे होते हैं अपनी अम्मी से और अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अप्लाई करने के बाद हमें सराहा जाए, तो मेरी तरह कदम कदम पे हम अपनी माँ को याद करते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को। मेरे साथ हैं निदा मुमताज, सादिया इमाम एंड नताशा अली, तीन बहुएं। इकट्ठे आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। इकट्ठे आ जाए ना, मैं लेट हो गई। बड़ी अच्छा कलर पहना है, बड़ी सारी बहुएं बड़ी प्यारी लग रही है जी। है भाई, सुनो आज मैं व्हाइट हूँ तो मैं यहाँ बैठू, हाँ पिंक हूँ मैं यहाँ बैठू,
पिंक हूँ तो यहाँ बैठूंगी, आप हमेशा यहीं बैठती हूँ, मैं आपका साथ दूंगी। याद है तुम्हें लास्ट टाइम दोनों ने एक जैसे पहने थे, बड़े प्यारे। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, मेरे को लगता है कि देखा ससुराल ससुराल वाली बातें तो लगे तो सही, घोटा छोटा भी तो अच्छे खुश खुश है ना, पर मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये, बहुत अच्छा हल्का हल्का सा घोटा और मजे का लग रहा है। हाँ, ये पहली दफा मैंने इन डिजाइनर के कपड़े पहने, मुझे खुद अच्छा, ये मैं ऑनलाइन देख रही थी कि प्रिंटेड ही शलवार कमीज के ऊपर प्रिंटेड ही दुपट्टा, तो मुझे लगता था ये तस्वीर में अच्छा लग रहा है, नहीं वैसे ही ओवर लगेगा, लेकिन आपको देख के लग रहा है लाइट कलर है ना, हर चीज लाइट है, अगर बहुत चटक पटक होता है ये फैशन चल गया एकदम, प्रिंटेड साड़ियां प्रिंटेड शलवार कमीज बहुत ज्यादा, कहां क्या करे बंदा, कितना चेंज फैशन करे, अब कुछ वही रिपीट होते हैं, रिपीट होता रहता है, वही पुराने जमाने वाली चीज पे रिपीट हो रही होती है। सो आज भी हम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने वाले हैं, और बहुत सारी ख्वातीन में बड़ी सारी टैलेंट्स होते हैं, बड़ी सलीका शार होती है, लेकिन सारी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। ये तो एक मुझे बात समझ नहीं आई आज तक कभी जिंदगी में, सच्ची मोहब्बत नहीं मिली भाई। हाँ नहीं होती है, बच्चे भी हो जाते हैं, नहीं ये सच्चा प्यार नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत एहतराम से होता है। आप अपने कंपेनियन को, अपने कपल को कितनी इज्जत देते हैं और दिलवाते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सादिया, ये डेफिनेशन ना हर औरत की डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट सादिया के लिए अलग होगी, निदा के लिए अलग होगी, निदा मुमताज के लिए और नताशा के लिए अलग होगी, यहाँ बैठी खवातीन उनके लिए अलग, उनके लिए अलग होगी। हम इस डेफिनेशन को ना लॉक नहीं कर सकते कि ये है प्यार का मतलब, हर किसी की जिंदगी में, लेकिन हम इसमें भी नहीं ला सकते ना कि बच्चे 12 हो गए और प्यार दी मिला, ये तो है ही नहीं कर सकते, ये तो है ही। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ा जिंदगी का सैक्रिफाइस है, वो बेचारी औरत किसी दिन फंदा लगा के मर जाए एंड पे ना, हाय हाय हाय, मेनू ज्यादा प्यार मिल गया, मेनू बहुता प्यार मिल गया। एक तो वो भी हो गई ना, एक डिवोर्स इसीलिए हुई कि मेरे मियाँ मुझसे लड़ता ही नहीं था, मैं हाँ हाँ आप देखे ना वायरल हुई हुई एक बात, तो उसको ये लग रहा होगा कि मेरी परवाह ही नहीं थी, मुझे लड़ता ही नहीं, मेरा मियां मुझसे लड़ता ही नहीं है, नहीं होता था कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल ऐसे ही है, सीरियसली मेरा मियां लड़ता है, मेरे मियां का पता मुझसे क्या गिला है, कुछ तो बोलो, हाँ आगे से जवाब क्यों नहीं देती हो, कुछ तो कहीं यार जवाब दो तो मसला, ना दो तो मसला, ये ज्यादा चिड़चिड़ती है। अगर हम लड़ाई कर रहे हो और आदमी कुछ भी बोल रहा हो और हम चुप बैठे रहे, इससे ज्यादा गुस्सा आता है, ये जवाब क्यों नहीं दे रही है, जवाब तो दो, और उसमें सुनने को मिलता है अच्छा अब घुनापन दिखा रहे हो ना, अब होगा क्या एंड पे बोलोगी, मुझे नहीं बोलना, मुझे पता है इसका फजूल बात हो रही है, फायदा ही नहीं, बाद में बात कर लेंगे, वो ना बहस आप कर ही नहीं सकते, खासकर मियां के साथ। अच्छा चलिए मियां के साथ फिर भी बहस हो जाती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि अगर सास के साथ बहस हो ना तो वहाँ खामोशी बड़ी काम आती है। अच्छा मैं तो कभी बोलती नहीं थी, हाँ मैं भी नहीं, मैंने मैंने कभी जवाब मैंने नहीं दिया, बोले कुछ कह ही नहीं सकता, और मुझे समझ नहीं आई सबर कैसे आ जाता है, पता नहीं उस बात अम्मी के सामने तो फौरन जबान खुल जाती है, माँ है ना, माँ के आगे तो शुरू से अम्मी आपको क्या पता, अम्मी छोड़े आप रहने दें, जबकि अम्मी को सब पता होता था और हम कितने मजे से कह देते हैं रहने दें आप रहने, लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है उस वक्त की चुपी और उस वक्त का बर्दाश्त जो है ना बहुत काम आता है, कि आप किसी भी ओहदे पे हो, आप कितने भी पैसे कमाते हो, अगर आपका बड़ा आपके सामने बोल रहा है और उस वक्त आप चुप हो गए, उस वक्त वो घूंट पी लिया आपने, जाहिर है बुरा तो सबको ही लगता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और अगर वहाँ एक भी बात निकल गई सारी जिंदगी के ताने सुने, ऐसे वैसे सारी जिंदगी याद रहती है, अगर आपने किसी को पानी भी नहीं पूछा ना तो वो भी सारी जिंदगी ताने मिलते रहे। लेकिन इसमें ना मुझे लगता है कि यहाँ हमें ना थोड़ी सी अवेयरनेस बड़ों को भी देनी चाहिए, कि बड़ों को भी बड़कपन दिखाना पड़ता है, यानी कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे किसी ने नहीं पूछा, बिल्कुल छोटों का एहतराम वो है, फर्ज है उनके ऊपर, लेकिन बड़े कहते हैं कि छोटे के पास कितना बड़ा मार्जिन है, मैंने आज उठ के कोई बदतमीजी भी कर ली, फर्ज करो कर ली, मैं जाऊँगी हाथ जोड़ूंगी मुझे माफ़ कर दे, मैं तो आपसे रिश्ते में छोटी भी हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ, लेकिन अगर आपने बड़ा नहीं बनी और आपने मुझे वही चार बातें मजीद और सुना दी, तो मेरा ख्याल है बड़ा होना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं अगर रिश्ते में भी बड़ी हूँ उम्र में भी बड़ी हूँ तो बड़कपन आपको ज्यादा महंगा पड़ता है, छोटा उनके पास मार्जिन होता है, मैंने माफी मांगी। हाँ ये वाली बात तो है। सो आइए जरा सुनते हैं इनसे कि भाई इनको किस चीज में सराहा गया अपने ससुराल में, और कहीं और सराहा जाए या नहीं सराहा जाए, लेकिन जो ससुराल में एक तारीफ
आपकी चार लोगों के सामने बैठ के अगर सास कह देती है ना, तो बस ऐसा होता है कि जो अम्मी ने तरबियत पाल पोस के बड़ा किया है वो वसूल होगी। सही बात है। चलिए पहली स्लाइड किसकी है? खाना बनाना। हाँ, खाना बनाना तो अपनी अम्मी से ही सीखा आपने? खाना बनाना मैंने अपनी अम्मी से सीखा, और मुझे लगता है कि मेरी फैमिली वाले भी कहते हैं कि जो अम्मा के हाथ का टेस्ट था वही हाथ मेरे, ये जेनेटिक हाँ, होता है, ये हाँ, जीन्स में आ जाता है, किसी किसी में आता है, हर एक में नहीं आता, हालांकि मेरी और भी बहनें हैं, लेकिन उनके हाथ में वो इतना टेस्ट नहीं है जो आपने पिक किया। मैं कुछ भी बना लूं, तभी तो सुबह कहते हैं मियां के लिए पका के आती हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, और सेट पे भी शूट पे भी लेके आती हैं साथ, मैं अपना खाना भी खिलाती हूं। अच्छा, अम्मी ने जबरदस्ती सिखाया या आपको खुद भी शौक? स्टार्टिंग में अम्मा ने जबरदस्ती सिखाया था, क्योंकि उनको होता था। अच्छा, क्या तरीका था जबरदस्ती सिखाने का, जरा हमें थोड़ी टिप्स दें। जैसे उन्होंने गोश्त वोश्त निकाल के बाहर रखा है, तो हमने उनको वॉच किया कि जी वो कैसे मसाले डालती हैं क्या, तो वो कहती थी गोश्त चढ़ा दो। अच्छा, उन्होंने खुद मसाले मिलाए, आप लोगों को उधर खड़ा रखा? जब वो डालती थी हम लोग खड़े होकर देखते थे, उसके बाद वो कहती थी, फिर वो हट जाती थी, वो कहती थी कि इसमें बस तुम लोग गोश्त चढ़ा दो, बाकी मैं आके खुद कर लूंगी। ओके, फिर वो हम लोग जाके अपने हिसाब से, कभी नमक कम हो जाता था कभी, लेकिन वो बैलेंस कर लेती थी, लेकिन उस वक्त उनको बताया था कि तुम चढ़ा दो, मैं आके फिर उसको देख। कॉन्फिडेंस आपको इस तरह दिया, सर पकड़े होके, हां तुम कर देना जरा, मैं आ रही हूं अभी, तो उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस obviously built up हो गया। थोड़े थोड़े dishes अम्मा को खराब करवानी पड़ती हैं। हाँ। एक दो दफा ऐसी होती है। अब जैसे अम्मा मेरी कजन वो रोटी बनाती थी, तो एक पेड़ा हमारे लिए छोड़ देती थी। अच्छा, कि चलो अपनी रोटी बनाओ। उस वक्त मौत पड़ती थी। अच्छा, उस वक्त मौत पड़ती थी कि सबकी रोटियां बना दी यार, हम लोग इतने सुतेले कि हमारे लिए रोटी नहीं बनी। तो वो कहती थी कि नहीं तुम सीखो, कि एक पेड़ा वो अलग से जो रखती थी, वो कहती थी बनाओ अपनी रोटी और खुद खाओ। और हम लोगों ने सीख ली। कोई इतना बड़ा वैसे रोटी में ना, हमारे अब्बा ने ये रखा था कि सादिया बनाएगी तो मैं खाऊंगा, आलिया बनाएगी तो मैं खाऊंगा। अच्छा, अल्लाह शुरू में तो जला जला के पापा को रोटियां खिलाएं, गुस्सा चढ़ता था, मतलब क्यों बनाऊं मैं, मुझे नहीं बनानी भाई, रात के बर्तन भी मैंने धोने, अब रोटी भी मैं बनाऊं। लेकिन बाद में पता चला वो तो तरबियत का एक हिस्सा था। बिल्कुल, वो आपको इस तरीके से वो सिखाते थे ना कि आप चाय बनाई जी, अब चाय आपको नहीं आती बनानी, लेकिन वो जितनी भी बुरी बनाएंगे ना, अब्बा भी पियेंगे, अम्मा भी पियेंगे, क्योंकि उनको कोई एतराज नहीं होता ना, अगर आप यही काम ससुराल में करें तो बस। और मुझे तो शौक ही इतना होता था ना, तो मैं तो कहती पहले, सबसे पहले जब होश संभाला था तो नानी बहुत काम किया करती थी किचन में ना, मतलब अम्मी भी करती थी, नानी खाना वाना बनाना हर चीज करनी ना, तो मैं उनके सर पे खड़ी रहती थी हर वक्त, मतलब वो मेरी नानी मेरी फेवरेट थी और मैं नानी की फेवरेट थी ना, तो ये भी होता है ना, आप इंस्पायर जैसे हो तो फिर जैसे आप बनने की तो मैं कोशिश करती थी। जैसे ये मैंने बहुत ज्यादा नुकसान भी किए, मैंने अपने हाथ भी जला लिए थे एक दफा, बिकॉज फ्रेंच फ्राइज एक दफा मुझे बना के स्कूल लेके जाने थे, तो मेरी नानी ने ना बनाने शुरू किए कि मैं तुम्हें ये बना के हॉट पॉट में, सुबह का टाइम था, मैं तुम्हें करके दे रही हूँ, तो उन्होंने कहीं बाहर जाना होगा दो मिनट के लिए, बाथरूम यार, तो मैंने कहा मुझे भी आता है, मैंने देखा वह कैसे बनाते हैं, यूं करके मुट्ठी भरी और उबलते हुए तेल में, तेल के ऊपर यूं छोड़ दी और वो सारे हाथ, बड़ी बड़ी अजीब हरकतें की हुई है मैंने, कि मुझे बनाने का शौक है, मुझे बनाने दें, पराठा बनाने का शौक है, तो अब भी अपने हाथ जला ली, ये वाली चीज ना, अच्छा वो चिमटा जो है वो टोंग के बगैर ही उठा लिया, और तो वो तवे के ऊपर ये सारा अंगूठा लग गया और ये भी जल गया, फिर दाल घर वाले घर पे नहीं है, सिर्फ मेरे भाई और मैं, तो मैंने कहा आज मैं दाल बनाऊंगी, मुझे पता दाल कैसे बनाते हैं। लो जी, इतने से पानी में इतनी सारी दाल भर दी, अरे वो इतनी मोटी पता नहीं क्या चीज बन गई, अब समझ में ना आए फेंकनी कहाँ पर है, कि मम्मी को पता ना चले कैसे, कि मैं कहाँ पे इसको गायब करूँ, कुछ समझ में नहीं आया यार। ओह माय गॉड, बड़ी इस तरह की चीज, मुझे शौक अभी भी बहुत शौक है, आपको आपको तो पता है आपके शो पे तो इस तरह की बहुत सारी चीज में बातें की हुई है, बिल्कुल, तो मुझे तो शौक होता था, मुझे दे दो काम, मुझे लगता है की बेसिकली आप इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, बस जिसको खाना पकाने से इंटरेस्ट नहीं ना, वो कभी भी नहीं, वो कभी उसको, उसको, उसको मुश्किल भी लगता है, वो कभी भी नहीं सीख सकता। किचन में जाना पड़ेगा, मुसीबत है, किचन में ना भेजो भाई, सफाई पड़ेगा। अच्छा, आप नोट करें, वो लोग जिनको सफाई का खपत होता है ना, वो कहते हैं हमें किचन में खाना नहीं पकाना, हमसे सफाई करवा लो, हमें उसमें मजा आता है, उनको उसमें तस्कीन मिलती है, सकून मिलता है। मैं अक्सर सेलिब्रिटीज यहाँ आते हैं, वो कहते हैं हमसे सफाई करवा लो, ऐसे चमक रहा होगा हमारा घर, ऐसे होगा। मैंने कहा मतलब लाइक ईद के ईद होता है, कह लेंगे नहीं भाई, हर हफ्ते हफ्ते, लेकिन जो है ना उस फिर उसको जो खाना पकाने का इतना नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सफाई भी कर लेती हूं भाई, खाना सब कुछ, ये शुक्र है। अच्छा, आपको
किस तरह तारीफ मिली, मतलब सराहा कैसे ससुराल ने, जब खाना पकाना अच्छा था, एक तो आप शोबिस की पर्सनालिटी तो एक एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, एक नॉर्म है कि नहीं शोबिस की हीरोइन है इसको कहाँ खाना पकाना है। लेकिन शुक्र अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, पहले लोगों को लगता था अच्छी तरह के इंटरव्यू, जब से ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है, वरना लोगों को अदरवाइज नहीं था कि जब मैं अपने ससुराल में आई तो उनको था कि इसको कहाँ आता होगा। मैं जैसे हम लोग सैटरडे को अपने ससुराल चले जाते थे तो संडे को वापस अपने घर, तो वो कहती थी कि नहीं नहीं वो मेरी जिठाने अम्मा कहती नहीं नहीं ऐ पका लेगी। मैं कह रही मुझे भी आता है बनाना, मैं बना लूँगी। नहीं नहीं ऐ बहुत चंगा बना दी ना, सानू आदत है। उनको था कि शायद इसको नहीं आता है। ओके, तो फिर जब मैंने बनाया किया तो फिर होता था कि हम तू बनाएंगी, खासकर कौरमा, कौरमा जरदा कहती थी कि ऐ तू बनाएंगी। अब इनको यकीन हो गया कि मुझे आता है। यही एक तारीफ और सराहना था कि किचन में वो जगह मिली। किचन आपकी फैमिली अगर बड़ी होती तो किचन में एक अपनी जगह बनाना भी एक बहुत मुश्किल चीज होती है, बड़ा ट्रस्ट अपने ऊपर करवाना पड़ता है। कुनबा बड़ा है, वो सोचते होंगे ये तो जाया ही कर देगी सौदा। अच्छा मुझे सासों को बहुत होता है, नहीं पता होता बना सकेगी या नहीं। वही अच्छा निदा, मुझे लगता है कि उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि शुरू से आप जो आप लोगों का तरीका कार होता है घर में, या पहली बहू आती है वो जो भी बनाएगी आपको पसंद आता है, जब दूसरी आती है तीसरी आती है तो उनको अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बिल्कुल टाइम लगता है, तो उसमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, आप अपने एटीट्यूड से अपनी सब चीज़ों से उनको अप्रिशिएट, आप वो भी आपको करें, आप भी करें उनके साथ रहें। आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं होता कि हम गए और वो बस हमारी तारीफों के पुल बांधेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तारीफ करवानी पड़ती है, अपने काम से पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है। कितना आपको, देखिए हर घर का अपना अलग रस्म रिवाज होता है, आपको कितना टाइम लगा आहिस्ता आहिस्ता तारीफी, मतलब लाइक जबानी नहीं कहा लेकिन अपने जश्न से ये जाहिर किया कि ओ ये मुझे, मेरे ख्याल में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक तो मैं अलग रहती थी तो मुझे इतने इश्यूज नहीं थे, क्योंकि वही सैटरडे को आना संडे को चले जाना। फिर जब मैं उनके करीब आके रही, उनके साथ रही, तो फिर शायद उनको थोड़ा सा उनके अंदर भी ट्रस्ट डेवलप हुआ कि नहीं ये कर सकती है, मैनेज कर सकती है। तो कितने साल लगे होंगे? 2 से 3 साल। ये तो लगते ही लगते हैं। 2 से 3 दो तो आप समझे मस्ट है। 2 साल तो हस्बैंड एंड वाइफ की भी वो अंडरस्टैंडिंग एक साथ, मतलब आप मंगेतर हैं, आप पसंद करते हैं दूसरे को, वो बिल्कुल ही अलग स्टोरी। शादी के बाद एक अलग ही स्टोरी शुरू है। सो 2 साल तो मिनिमम लगते ही लगते हैं आपको अपनी जगह बनाने में। बाज़वा तो बहुत टाइम लग जाता है। हाँ। क्योंकि जो पहले वाली आई हुई है वो तो शेर हुई भी होती है ना, वो तो आपको वैसे भी नहीं जगह बनाने देती। अच्छा, कभी कभार वो शेर भी हुई भी होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनको ये कहा जा रहा था बस मेरी नई बहू आ जाए ना, फिर देखना। हाँ। उन पे भी प्रेशर होता है, उन पे भी होता है प्रेशर। एक तरह मुझे लगता है कि जिनके माशाल्लाह अगर 4 से 5 बेटे हैं तो सास को भी ना थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए कि आने वाली को जो घर में रहते हैं वो भी एक्सेप्ट करें और सास भी करें। पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके बच्चे होते हैं ना 4, आप उस उनके अंदर भी तो इंसाफ कर रहे होते हैं ना, पहले कभी इसको प्यार कर दिया तो उसको भी उठा लिया, इसको भी, तो बहुओं को भी थोड़ा वैसा बैलेंस करना पड़ता है। अगर एक बहू के लिए कुछ कह दिया तो दूसरा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सास का झुकाव कभी एक बहू की तरफ बहुत हो जाता है, ये पहिया यूं घूमता है, फिर दूसरी की तरफ हो जाता है, फिर तीसरी की तरफ हो जाता है। सो वो आई डोंट नो, मुझे लगता है सास का जो झुकाव होता है ना सबसे बड़ी वाली के साथ होता है। हाँ। और फिर एंड वाली के साथ होता है। नहीं, लेकिन अगर वो उसकी फितरतन अच्छी हो ना, वो अच्छी हो, ये भी जरूरी है। मैंने ये देखा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर आने वाली वो भी तो किसी की बच्ची है ना, तो आपको उतना ही प्यार देना चाहिए, ये इंसाफ करना बहुत जरूरी है। तो सास का ओहदा एक मुश्किल ओहदा है, मुझे लगता है। मुझे तो अपनी फिक्र है कि मेरी 2 आएंगी तो मैं बस अल्लाह रहे। मैं भी, मुझे भी अपनी फिक्र है, हम लोग अभी से फिक्रें हो गई कि क्या होगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम अपनी और फिक्रें आपको बताते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब एक दूसरे से जिक्र कर रहे हैं कि ससुराल ने हमें किस बात पे सराहा
और हम उसके शुक्र गुजार हैं अपने पेरेंट्स के, जाहिर है कि जिन्होंने हमारी तरबियत की। अक्सर माओं को ये भी नहीं समझ आता, इतनी कंफ्यूज होती हैं, जाहिर है अगर पहली पहली दफ़ा माँ बनती है कि मैं अपनी एक दूसरे से पूछती होती हैं कि मैं अपनी बेटियों को क्या सिखाऊँ क्या समझाऊँ। मुझे लगता है आप जैसी माँ हैं बिल्कुल बेटियाँ वैसी ही बन जाती हैं, ऐसा ही है। एक ज़माना आता है कि वो बिल्कुल आप जैसी हो जाती है। सो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ फ्लॉज हैं और आपकी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको खुद पता है, तो बस उसे दूर कर लीजिए। वो खुद बखुद कि जब रिश्ता हाँ, देखने के लिए जाते हैं तो ये बात बड़ी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहले माँ को देखो कि लड़की कैसी होगी, और उसके उसके बाद तमीज देखने के लिए घर का किचन और बाथरूम देखो कि भाई कितनी सफाई है, कितनी सेंस है घर को साफ रखने की, सलीका कितना है एंड ऑल। बिल्कुल, तो ये माँ तो माँ ही सिखाना होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब किसकी स्लाइड है दिखाओ भाई। मेहमान नवाजी सादिया इमाम की, मेहमान नवाजी को सराहा ससुराल ने। हाँ, हमारे यहाँ क्योंकि एक बड़ा ससुराल है, 11 बहन भाई अदनान माशाल्लाह, तो एक तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी बहू, छोटी बहू होने के हवाले से उनको और शोबिस के हवाले से तो उनको आइडिया नहीं था कि इनका क्या रख रखाव है कैसे, जबकि हिना बाजी जिन्होंने रिश्ता किया वो जानती थी मुझे बहुत अच्छी तरह, तो बड़ी नज़र थी मुझ पर ना, बड़ा बड़ा हर चीज़ में देखा जाता था। अच्छा, और क्योंकि पसंद की शादी थी अदनान की तरफ से और शोबिस की लड़की थी, तो मुझे तो ये बाद में पता चला कि अच्छा मेरी छोटी छोटी चीज़ें नोट होती हैं। तो जब मुझे अच्छी तरह याद है, हम निकाह के बाद जब पहला डिनर हुआ मेरे ससुराल में, मेरी सास तब भाई आती, अब तो वो नहीं है अल्लाह गरीब की रहमत करे, तो मैंने मुझ पर कोई फ़र्ज भी नहीं था, तो मैंने दही बड़े बनाए जो हमारी फैमिली के बड़े मशहूर दही बड़े हैं, वो मैं पूरी वो और एक मीठा मैंने अपनी तरफ से बनाया, क्योंकि मैं भी तब उस घर की बहू बन गई थी, तो ज़रूरी तो नहीं कि मेरे ही ऑनर में अगर डिनर रखा जा रहा है तो मैं खाली हाथ उठ के चल पड़ूँ। तो वो एक ऐसी चीज़ जब मिल गई तो मैंने कहा जाके कहा, मैं कहा भाभी ये ज़रूर दस्तरखान, तब दस्तरखान बिछता था, अम्मा कह तो ये कह रही अरे तुम क्यों लेकर आई और तुम्हारा क्या, मैं कहा नहीं अब इस घर की बहू हूँ मैं, तो मैं ये दस्तरखान पर मेरा भी शिरकत होनी चाहिए। तो वो पहली चीज़ से उनको आइडिया हो गया था कि अच्छा ये बच्ची पीछे नहीं रहने वाली है, ये खुद बढ़ के आगे काम करने वाली है। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जब मेरी सास की डेथ हुई, क्योंकि मैं यहाँ थी और मैं छोटी बहू थी, सब थे उनके बच्चे बच्चे सब, जिस तरह वो स्वयं 40 साल सारा मैंने निभाया, और एक एक चीज़ जो रस्में होती हैं हर तरह की वो मैंने की ना, तो उस पर मेरी बड़ी भाभी अल्लाह ने अभी भी मैं कहती हूँ सेहत दे, अभी उनका बहुत शदीद ब्रेन हैमरेज से गुजरी हैं वो, उनको तो उन्होंने मुझे गले लगा के कहा था जो सबसे बड़ी भाभी हैं कि काश तुम अम्मा की ज़िंदगी में आती, वो बहुत खुश होती तुम्हें देखे और तुम्हारे सलीके को देखे, तुमने जिस सलीके से तुम चीज़ें करती हो। फिर मैंने पहले कुंडे अपने ससुराल में किए जबकि मैं अलग रहती थी, लेकिन मेरा अपना अलग घर था, लेकिन तब मेरी सास है आती तो मैं एक रात पहले गई अदनान, तो मैंने कहा नहीं मुझे वहाँ जाना है, तो मैंने वहाँ जाके कुंडे की टिक्कियाँ बनाई, मेरी बड़ी भाभी जो ऐनी भाभी उन्होंने खीर बनाई, मिल के ना चीज़ें करी, तो वो उनसे उसको उनको आइडिया हो गया कि नहीं ये सिर्फ मेकअप कपड़े और चीज़ों का नहीं, इसको तो एक एक चीज़ का पता है। तो मेरे ये सब चीज़ें अपनी अम्मी से आपने पिक की? यस ऑफ कोर्स ही मैंने अपनी अम्मी से, क्योंकि घर में खीर मैं 20-20 किलो खीर मैं ही बनाती थी, अभी भी टिकिया कुंडे की बने और खीर बने तो हमारे मेरे अपने हाथ की होती और अम्मी हमेशा से खुद ही बना रही होती। एक चीज का असूल हमारे यहाँ जिंदगी में तय था कि अगर दावत की तो बाहर से खाना कुछ नहीं आएगा, नजर न्याज है तो बाहर से खाना कुछ नहीं आएगा, तो फिर करो ना, अम्मी कहती थी करो ना, अगर तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं है ताकत नहीं है तो बेटा नहीं करो, कोई तुम्हारे खाने का भूखा नहीं बैठा, सब अपने घर में खाए, लेकिन अगर करो तो उसे इतनी इज्जत और एहतराम के साथ बुलाओ और इतने प्यार से अपनी टेबल सजाओ कि आने वाले को भी अच्छा लगे और खुद भी तैयार रहो। ये नहीं कि झाड़ मुंह पहाड़ बैठ जाओ कि बहुत, ये मैंने पहले भी बताया था कि अम्मी हमेशा कहती थी मेहमान के आने से पहले हम सब तैयार होते थे ताकि जब आने वाले ना उससे लगे कि यार मुझे कितना अच्छा खुश है। अच्छा, ये छोटे छोटे जस्टिस से ना कितना फर्क पड़ता है, मतलब आप कभी कभार आप किसी के घर जाओ उन्होंने टेबल भरी होगी और जो खुद खाता है ना वो, तो आपको ना गिल्ट होने लगता है यार हमारी वजह से बेचारी किचन में थक गई, आप खा भी रहे होते हो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपको ये हो रहा होता है कि यार ये बेचारी इन्होंने इतनी एफर्ट की है ना, इतनी तकलीफ उठा के हमारे लिए ये काम किया है, और अगर वो सजी
बेसब्री होती तो वैसे ही देख के ये अच्छा मैं अपने ससुराल में भी मैंने अपनी जो जेठानियां हैं उनसे मेरी दोस्ती बहुत है, हैं सब जेठानियां लेकिन हम सब ऊपर वो तो मुझे बड़ा मजा आता है तो मैं टोक देती हूँ तैयार होकर आइए अच्छी लगती है। तो अब सबको मैं देखती हूँ कि सब अगर अपने घर पे डिनर्स रखते हैं या कुछ रखते हैं तो खुद भी एफर्ट करते हैं अपनी तैयारी के लिए। जैसे मेरे ससुराल में बहुत बुरा समझा जाता वन डिश, मतलब ये क्या है तो भाई मतलब खाने में बुलाए तो हम क्या अपने घर से खाना बना के लेके जाएंगे या हर घर का अपने एक तो ये मेरे घर में था दस्तरखान वसी करना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी मसरूफ होती जा रही है मैं हर वक्त तुम्हारे घर नहीं आ पा रही, मैं निदा क्या नहीं जा पा रही। तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जैसे रबी अव्वल में मैं एक ग्रैंड डिनर रखती हूँ जिसमें सब वन डिश लेकर आते हैं तो होता क्या पूरा सुखन खानदान जमा हो जाता है। तो मैं कहती हूँ आपके वैरायटी भी आ जाती है, सब अब्बा कितने खुश होंगे उनके बच्चे बच्चे तो सबका दस्तरखान सज जाता है एक जगह और मजा आता है क्योंकि फिर सब घर एक घर मेरा बड़ा है तो समाज जमा हो जाता है। तो ये एक चीज मैंने रिवाइड करी लेकिन अब सब आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने घरों में करते हैं और हमें बहुत मजा आता है कि किसी एक पे बर्डन भी नहीं पड़ता और सबका खाना भी चखने को मिलता है। ये बड़ी मेरी इन चीजों को बड़ा सराहा जाता जी। नेक्स्ट स्लाइड यही अरे भाई या तो नताशा की भी दावत है कहाँ का बुला रही हो इसकी तो हमने दावत खाई है मेरी टाइम। जैसे अभी सादा ने कहा कि दस्तरखान का और कुंडे और ये एहतमाम करना तो सारी जिंदगी मैंने अपनी माँ को मेरे खानदान में सबको मैंने करते देखा। वही वाली बात मजालिस के लिए न्याज का इंतज़ाम करना और लंगर का इंतज़ाम करना, फिर हमारे घर में मजालिस होती रही अभी भी होती हैं माशाल्लाह सफ़र के महीने में। तो वही वाली बात सादा ने बहुत अच्छी बात की कि बाहर से बुला के देगे नहीं बनवानी, देगे बनानी है तो हमने ही बनानी है अपने घर में ताकि आने वाले जो मेहमान हैं या आज़ादार हैं या जो भी हैं उनको आगे पता चले कि इतनी दिल से बुलाया गया है दावत पे या कुंडों पे या मजालिस पे कि आपको पता चले कि घर वालों ने खुद खाना बनाया। तो मेरे घर में भी यही होता रहा जो मैंने सारी ज़िंदगी देखा। तो अभी ये दावत वाली बात हुई है तो मेरे ससुराल में जब भी दावत हुई खाना मैंने अकेली ने बनाया और आप यकीन करें कि एक वक्त में 8-8 डिशें मैंने बनाई। जब पहली दावत के लिए मैंने अपनी सास को ये बोला कि वो हमारा नौकर है गोगा वो साथ जो है ना गोगा वो गोगा तुम्हें साथ हेल्प करेगा। मैंने कहा अम्मी मुझे किचन में किसी की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ आए भी कोई नहीं मुझे तंग करने के लिए। अच्छा ये मेरा प्रॉब्लम है और मेरी सास को ना ये लगता है कि जब भी ये कराची आएगी बेशक 2 दिन के लिए ना तो किचन से तो कोई नहीं बढ़ सकता, मतलब ये किचन में नहीं घुसने देगी फिर ये कहेगी कि यार मैं कर लूँगी प्लीज़ आप। ये है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कि अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे कटिंग भी खुद करनी है, मुझे आके कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे खाना भी खुद बनाना है एंड ऑल। तो मैंने जब खुद सारी चीज़ें बनाई जिसमें दालें भी थी, सब्जियाँ भी थी, गोश्त भी थे, चिकन भी थे, फिश भी थी, ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ हाँ नान रोटियाँ बाजार से मैंने मंगवाई थी। तो उसके हाँ वो दावत थी माशाल्लाह 45 लोगों की। अल्लाह नताशा इतनी सी लगती नहीं है ये 40 लोग माशाल्लाह। तो सबके लिए मैंने खाना बनाया और मैं अंदर से ना घबरा भी रही थी कि पता नहीं अब ये जो ये तो मेरे ससुराल के लोग हैं मेरे मैके के लोग तो नहीं है जो एवं भी कुछ बुरा खा के भी बोल दें नहीं नहीं इसने बड़ा अच्छा बनाया। तो सब ने जब बहुत तारीफ की और सबसे ज्यादा सास ने कहा ना लो भी मुझे तो अब जिंदगी में सुकून आ गया ये संभाल लेगी, उनका ये जुमला मेरी सारी थकन उतर गई कि लो भी मुझे अब सुकून आ गया ये संभाल लेगी। ये बड़े तो यार मतलब मुझे मैंने कहा यार थैंक यू सो मच मैंने जो मेहनत की। और वही वाली बात कि इतना सारा खाना बना के मेरे पास सिर्फ 15 या 20 मिनट थे कि मेहमान आने शुरू हो गए थे, फिर मैं भागी मैंने जाके मुंह धोया मैंने जल्दी से चेंज किया बालों में जल्दी जल्दी मैंने आयरन किया और मैं सामने जाके खड़ी हो गई और सबको थोड़ा सा ये भी हो रहा था बार बार पूछने वाले पूछ भी रहे थे किसने हेल्प की है ये किसने बनाया नहीं नहीं सही बता दो नताशा ने ये तो तुमने नहीं बनाया यू नो लाइक आलू गोश्त के लिए यकीन नहीं कर रहे होते एक सरप्राइज होता है उनके लिए। ये हमारे यहाँ भी होता है क्योंकि लोग यहाँ मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ तो लेकिन जब मैं कुछ चीज़ें बनाती ये तो बहुत जब जर्मनी आते हैं ना तो मेरे हाथ के पराठे रोटियाँ चीज़ें बहुत मशहूर है तो मैं गरम गरम अम्मी ने आदत डाली हुई शुरू से ना कि गरम उतार के दे रही है रोटी ताकि एक ना बंदा जहाँ एक खा रहा होगा वो 2 खा लेगा अगर आप उसको खाना गरम देंगे। तो यही जब मैं जर्मनी में होती हूँ तो मैं जब बच्चों के पास फ्रैंकफर्ट मिलने जाती हूँ तो मैं वहाँ कोफ्ते बना के लेके जाना फ्रीज करके कबाब फ्रीज करके लेके जाना जो अपने ही घर से बना के अरे मामी आई है ना आज तो नाश्ते का मजा आ जाएगा आज पराठे मिलेंगे तो फिर उस दिन में जाके पराठे बनाना ये करना। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ
रिश्तों में एफर्ट देनी पड़ती है। और वैसे तो वो सारी जो अपनाइयत भी लगती है, अपनाइयत कि ये डिश इसने बनाई है या नहीं बनाई, मतलब मेरे कहने पे तो वो उनको लग रहा होगा शायद पत्नी इसने बनाई या नहीं बनाई, लेकिन जब एंड पे मेरी सास ने कहा ना नहीं भी सारा काम इसी ने किया, मैं इस बात की गवाह हूं। क्योंकि पता है क्या, देखिये ये वाली बात है ना, आप लोग लकी है कि आपको सराहा भी गया। बहुत सारी ऐसी बहुएं हैं जो पूरी जिंदगी पका रही है किचन में, लेकिन ससुराल वालों का लगता है ये उनकी ड्यूटी है और वो सराहने वाला है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं समझना चाहिए, ये गलत है। इंसान को एप्रिसिएशन चाहिए, घर में कोई नौकरानी थोड़ी लेके आ रहे हैं, बहू लेके आ रहे हैं, प्यार देंगे इज्जत देंगे तो जो बहू है जो बीवी है वो खुद अपने दिल से काम करेगी। और पता है क्या, सिर्फ एक ये सास का जुमला कह देना ना कि मेरा पूरा घर मेरी बहू ने संभाला हुआ, ये नहीं होती तो, या कोई ऐसा प्यार का जुमला उसको और 1.5 किलो खून बढ़ा देता है, वो और एफर्ट करती है कि एक जुमले की मार है भाई, मार क्या कहेंगे सही पता नहीं, यूज किया मैंने, एक जुमले की बात है। सो एक थैंकलेस, मतलब कभी कभार ऐसा लगता है बहुओं का जो ये काम कर रही होती है वो एक थैंकलेस जॉब है कि उनको कोई सराहता नहीं है, उनको बस ड्यूटी है, लगी हुई लगी माँ होना भी बड़ा थैंकलेस है, बहुओं का भी होता है। मतलब अगर सास ने डांट दिया, जैसे हम कहते हैं कि सास के बारे में हम कहते हैं कि अगर अपनी बहुओं को आप अपनी बेटी समझना शुरू कर दें तो ये इश्यूज ना हो, तो उसी तरह मैं बहुओं को भी ये कहना चाहूंगी कि जैसे माँ आपको दिन में 10 दफा डांट देती है, मेरी माँ तो अभी तक जूता उठा के मार देती है, ये हाल है, ऐ गल कीती है एल एफ ठा, ठीक है, तो मतलब हम बर्दाश्त कर लेते ना, आगे से मैं हंसना शुरू कर दूंगी या मैं आगे से कुछ बोलूंगी नहीं, तो इसी तरह सास की भी कोई कहीं भी बात को आप आगे से। आजकल के बच्चे थोड़े डिफरेंट हैं, मतलब अगर मैं थोड़ा अपनी बेटी को कुछ कह देती हूँ तो वो थोड़ा मुझसे नाराज हो जाती है, और फिर वो क्या होता है मुझसे बात नहीं करती। हम लोग ऐसे नहीं थे, हम लोगों ने हमारी अम्मा नाराज हो जाती थी उल्टा, हमें अम्मा की टेंशन। आजकल के बच्चे थोड़े से डिफरेंट हैं, उनको बड़ा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, और इसीलिए जब वो शादी होके जाते हैं सोशल राइट्स लेकर आ जाते हैं अपने, जहाँ रह रहे होते हैं ना उनके दिमाग में वो ही चढ़ा हुआ होता है, फिर जब वो शादी होके जाते हैं ना, सो उन ये जो जनरेशन है ना, जो नई जनरेशन है, ये कुछ अलग तरीके से इनको मोल्ड करना पड़ेगा। जो आजकल की सासें हैं उनको सीखना पड़ेगा कि हमने कैसे बहुओं को ट्रेन करना है, एक कोर्स है पूरा। तुम्हारी वाली तो बड़ी है ना, मेरी वाली तो 9 साल की है, तो वो जरा सी हो जाती है मम्मा प्लीज मैं यू नो मेरे भी कोई राइट्स है, मैं कहती अभी तेरे राइट्स बताती हूँ मैं तुझे। वो हमारे बच्चे उतने शैतानी नहीं करेंगे जितने हम करते थे, हमने तो बहुत सारी शैतानियां की, लेकिन हमारे बच्चों को ना फिर वो जरा सी डांट भी नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि वो आई डोंट नो यार। बस एक चीज जो है मेरा ख्याल है कि वो मोटे को मोटा ना कहो, जैसे हम होते थे ना कल्लू मोटू क्या क्या हमने नाम बोल दिया, हमारे बच्चे ये बर्दाश्त नहीं करते कि आपकी कैसे कह सकती है किसी को, या आपकी कैसे कह सकती है इसका नाम वो ना रख के। अच्छा भाई हमें तो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक अगर साथ साथ आप ये भी समझाते रहो ना कि बेटा ये तो तुम्हारी माँ का घर है, आगे सास अगर कुछ कहेगी ना तो ये मेरे साथ तो कर लो, वहाँ जाके बर्दाश्त रखना, हम उनके वहाँ जाके बर्दाश्त रखना, ये थोड़ा सा ये कहना पड़ता है, सीधा सीधा उनके पास जवाब होता है, बच्चों के पास जवाब होते हैं भाई। हम मतलब हमारी जेनरेशन बेसिकली वो है जो अपने अम्मी अब्बू से डरती रही जब बच्चे थे, और अब हम अपने बच्चों से डर रहे हैं, हमारी जेनरेशन एक्चुअली वो है सही बात है, हमारे बच्चे नहीं किसी से डरते। वही तो कह रही हूँ, लेकिन दे आर कंफर्टेबल, मतलब अब मैं देख रही हूँ जैसे जो अभी नई शादियां हुई दे आर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, क्लियर माइंड के साथ वो शादियां कर रहे हैं, उनको पता है कि ये मेरे लिए बेहतरीन साथी है, यहाँ मैंने शादी कर दी। क्योंकि हमारे जमाने में तो कपड़े और जेवरों के लिए भी शादियां हो गई, शादी करने के लिए भी शादियां हो गई कि भाई अब तो शादी की उम्र है तो करनी मस्त कर लो बस, तो बस कर लो। और बताओ मैं सबसे अच्छी चीज जो अभी मैंने यंग जनरेशन में देखी है ना कि वो या तो खुद अर्न कर रहे हैं बच्चे ज्यादातर, तो वो कहते हैं कि जी खर्चे कम करें, एग्जैक्टली हम लोग एक ही इवेंट में 2 कर लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है ना, माँ बाप के ऊपर बर्डन ना ससुराल वालों के ऊपर बर्डन, आप एक ही फंक्शन, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि हमारी जनरेशन की कुछ लड़कियां ऐसी थी वो चीख चीख के मांग के अम्मी अब्बू से कहती थी मुझे चाहिए ये टीवी, मुझे चाहिए ये वाला फ्रिज। हमारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता वो कहेंगे हम लमा की हो रही है माशाल्लाह, लमा की हम आजकल तैयारियों में लगे हैं, तो वो कुछ चीजें उसने स्ट्रेट अवे, उसने कनाडा चले जाने कह रही इसकी जरूरत नहीं है आप, और उनके भी इन लॉज इतने अच्छे हैं कि कहेंगे बेडरूम सेट पे हमने लेटना है, आप वही पैसे जो दिल में आए अपनी बेटी को दे। तो ये चीजें ना बड़ी बेसिक
के लिए अब बच्चों को भी समझ आ गया क्या प्रैक्टिकल है बेसिकली आज के बच्चे। उसने कहा मम्मा पैसे दे दीजिएगा, गोल्ड दे दीजिएगा, ठीक है वो मेरी सेविंग है, ठीक है मुझे फजूल में ये चीजें यहाँ जंग खाती रहेंगी, मैं क्या लेके जाऊँ, टोटल मुझे इतने जोड़े चाहिए, इससे ज्यादा कोई कपड़े नहीं मिलेगा, ताकि इवन मेरी बेटी की तो शादी हुई है तो उसके ससुराल वालों ने माशाल्लाह नहीं चाहिए, सारा कुछ खुद की है। मैं आयशा ने मुझे कहा अम्मा मुझे कपड़े मत दीजिएगा काम वाले ज्यादा, बस कैजुअल दे दीजिएगा जो मेरे ऑफिस में चल जाए। और उसकी मदर इन लॉ माशाल्लाह उन्होंने अपने जो हैवी जोड़े उन्होंने पहनाने थे बनाए, उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं करें आप काम करती हैं बिजी होती हम खुद बना लेंगे। और माशाल्लाह उन्होंने इतने अच्छे जोड़े बनाए, मुझसे कुछ नहीं लिया, फर्नीचर मना कर दिया सब। मैंने कहा हाय मुझे तो शर्मिंदगी, हमारे यहाँ तो बहुत दिया जाता था जी सारा कुछ पूरे घर से लेके। वो कहते नहीं हमारे घर में तो ऑलरेडी है हमें जरूरत ही नहीं। अच्छा ये वाली एक ये बात कह देने भी ना कि अच्छी लगती है, मतलब मेरा नहीं ख्याल जो लड़के के पेरेंट्स या कुछ ऐसी ये अगर बात कहते थे है ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए या कुछ इस तरह, वो कितना चाहे आप अपने बच्चे को देने के काबिल भी हो और दे सकते हो, लेकिन वो एक तहम्मुल और वो आ जाते कि कितने अच्छे लोगों में हमारी बेटी जाए। हमने कहने से क्या हमें तहम्मुल है, लालची कहना चाहिए कि भाई हमारे पास है ऑलरेडी आपकी बेटी, अपनी बेटी आपको दे रहे हैं और क्या चाहिए आपको, इससे बड़ी बात है। मैं कहती हूं अब जो जनरेशन है उनको भी माँ बाप उनमें भी शामिल है कि उनको भी वेलकम करना चाहिए आपके घर में बेटी आ रही है। हाँ क्योंकि कुछ ओल्ड थॉट्स हैं, जैसे जब हम हमारे मेरे बाजी की बेटी की उजाला जब हम लेकर आए तो हमने उनसे कहा हमें आपसे कोई जहेज नहीं चाहिए, हम इस पर इतने स्ट्रिक्ट थे, इस पे 3 दिन उनके ना एक लिटरली वो के पता नहीं शायद हम इस काबिल नहीं है तो हमसे नहीं मांग रहे। देख उनकी अपनी मतलब उनके वसवसे से कि अच्छा ये लोग शायद बहुत बड़े हैं तो हमारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। फिर हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया, हमने कहा देखिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हमें एसी मशीनें फ्रिज लेके हम क्या कर लेंगे, इस घर में आप बताएं 2 फ्रिज ऑलरेडी हैं एसी लगे हुए अब क्या। फिर उनको समझ में कहा हाँ जरूरत पड़ेगी आपकी बेटी मांगती रहे सारी जिंदगी मांगे, हमें इससे ये चीजें सेट करनी पड़ेंगी हमें। मेरे अम्मी अब्बू क्या हमें नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज सेट की, उन्होंने कहा ना हम लेंगे ना हम देंगे। तीनों बेटियों को कोई जहेज नहीं दिया उन्होंने, शादी की उन्होंने धूमधाम से, अपने दोस्तों को बुलाया था जाहिर है वो, लेकिन जब मेरी भाभी आई तब भी मेरे अब्बू ने यही होना चाहिए हमें एक चीज नहीं चाहिए। मेरे भाई ने हर बेडरूम सेट नया बनाया, पूरा कमरा नया बना, सब पूरा पोर्शन नया बना, उसने खुद किया, जितनी तनख्वाह थी उसमें उसने खुद किया, लेकिन जब दिया भी नहीं तो लिया भी नहीं, हमारा रूल है ना खालाओं को ना कुछ। अच्छी बात है ना यार, हम खानदान में रूल सेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, कैसे चलेगा बिल्कुल। और अब छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, महंगाई का दौर है, कौन अफोर्ड बेचारे, चलो माँ बाप फिर भी कर देते हैं सब किसी भी तरीके से, लेकिन उनके ऊपर बोझ है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज हमारे माशरे से खत्म होनी चाहिए, इससे ही कितने झगड़े और लड़ाइयां पैदा हो जाते हैं शुरू में। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, सो यहाँ देखते हैं कि अब किसने किसको कितना सराहा, किस बात पर सराहा, आइए देखते हैं हमारा अगला टास्क क्या है, बच्चों का ख्याल रखना। वैसे तो हर माँ रखती है बच्चों का ख्याल, लेकिन आई डोंट नो कि ससुराल वाले सेटिस्फाई नहीं होते उससे, है ना। लेकिन अगर ससुराल वालों ने ये कह दिया, जो कि मेरी मदर इन लॉ कहती थी मेरे लिए, ये एक सराहना मेरे लिए था कि ये बच्चों का बहुत डिसिप्लिन इसके मैंने बड़ा देखा है कि बच्चों को टाइम पर सुलाना, टाइम पे खिलाना पिलाना। सो वो क्योंकि हमारे साथ रहती थी तो उनके नज़र के सामने होता था, तो इस चीज से बड़ी खुश होती। असल में कोई भी वर्किंग वुमन होगी ना, वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पाल सकती है, क्योंकि उसकी टाइमिंग बनी हुई होती है ना कि इतने बजे मैंने जाना है, उनके खाने का भी ख्याल रखना, उनकी हर एक चीज का ख्याल रखना, फिर उनके साथ फोन पे भी रابطे में रहना कि तुमने अपना ये पढ़ लिया, कारी साहब आ गए, ये हो गया, अपडेट जॉब ये कर लो। तो मुझे लगता है कि काम करने वाली जो माँ होगी ना, वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पाल सके। फिर उसको बाहर की भी टेंशन होती है, बाहर का भी उसको पता होता है कि बाहर क्या हालात हैं क्या नहीं है, तो वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकती है। हाँ घर में रहने वाली को इतनी गाइड, अगर घर में रहने वाली औरत डिसिप्लिन है ना,
तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से पाल सकते, क्योंकि ये फितरतन होता है, आप कुछ लोग लेजी होते हैं और कुछ लोग एक्टिव होते हैं, सो मैं थोड़ी ओवर एक्टिव हूँ, सो इसलिए मैं थोड़ी ओवर एक्टिव हूँ और मैं थोड़ी झक्की भी हूँ. नहीं पिया दूध, पियो पियो, पीना पड़ेगा या भी खत्म करना होगा. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के कद अच्छे हैं तीनों के ना. उसकी रीजन ये है कि मैं झक्की रही हूँ कि अच्छा इतने ग्लास दूध पीने, इतने ये करना, इतने ये करना. सो वो शायद वो देखती थी तो वो ये कहती थी कि ये चीज मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है. रात को बच्चे मेरे देर तक नहीं जाते, भी 7:30-8 बजे सो जाते थे. लोगों ने शर्तें तक लगाई हैं कि जो छोटा वाला है तुम, बाकी सब बड़े हो गए हैं तो घर में बड़े होंगे तो ये आप रात को देर तक जागेगा, शर्तें तक लगाई है, चैलेंज तक किया है. लेकिन यही चीज मैंने अपनी माँ से सीखी थी कि रात की नींद बच्चे की पूरी होगी, उनकी पढ़ाई में खुद ब खुद अच्छा होगा, उसकी खुद खाएगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, हाइट बढ़ती है, बच्चे बीमार नहीं होते. जब आपका मौसम चेंज होता है वो इम्यून सिस्टम वीक ही इसीलिए होता है कि बच्चे रात को जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, वो खाते ही नहीं. हमारे पर भी आता है ना कि एक अकलौती मीरब, फिर ऊपर से मैं शोबिज इंडस्ट्री, फिर तो बड़ी वो था कि अब क्या होगा. लेकिन अब जब मीरब को लोग देखते हैं, इवन तुम भी जब तारीफ करते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मीरब की तरबियत मीरब में दिखनी, बच्चों में बच्चों की तरबियत दिखनी चाहिए. वो जब दिखती है और जब ससुराल वाले भी तारीफ करते हैं, बाहर वाले भी तारीफ करते हैं, तो इतने माँ का ना मैं कहती हूँ खून बढ़ जाता है. मैं इतना फिर उसे गले मैं कहती हूँ मीरब देखें, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये जो लोग मुझे आके बोलते हैं ना, ये अच्छा यकीन माने मुझे, मैं जिंदा हो जाती हूँ. अच्छा आपने तो बताया नहीं ना, आप तो बताएं जरा, तो आपकी कहानी है ना. मेरी कहानी, मैंने अपने बच्चों को अपनी माँ से सीखा है. क्योंकि मेरी माँ ने हमारी तबीयत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी की थी. टाइम पे खिलाना, टाइम पे सुलाना, और फिर कोई गलत उस पर हम ऐसे आंखें फाड़ के हमें देखती थी तो हमारी जान निकल जाती थी. एक डर और खौफ था ना कि अम्मा ने अगर देख लिया कि हमें कुछ. अम्मा की बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, उनको फ्रेंडली भी रहना है, उनको डर भी रखना है. बिल्कुल. तो वो कैसे अपना रंग बदलती है, किस किस वक्त, ये सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट है. मुझे लगता है कि माँ को अपनी औलाद का ज़्यादा पता होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो. मुझे बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों पे बड़ी हैरत होती है कि नहीं इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया, आपको पता ही नहीं चला अपनी औलाद के बारे में. हाय कैसे नहीं पता चला, मेरा तो बच्चा जिस करवट से उठता है उससे पता, मुझे तो उससे पता चल जाता है, पैदा मैंने किया है. एक ही उसकी मूवमेंट से मुझे पता चला. कैसे अपने बच्चे को चीज छुपा रहे होते, क्यों पहुंच जाती हूँ वहां तक. अच्छा ये छुपा रहे हैं, चाल में गड़बड़ है, हंसी में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है. बिल्कुल ऐसे ही होता है. अब जैसे मेरे दोनों माशाल्लाह अमेरिका में, लेकिन मैं सुबह शाम उनको कॉल कर रही हूँ, बाजा वो चिड़ी भी जाते हैं. लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे इनकी खबर रखना बहुत जरूरी है, चेक रखना जरूरी है. कि अच्छा तुम घर आ गए हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बनाया, क्या. माँ रोज फोन करके यही पूछती है. बड़े भी हो गए लेकिन एक रूटीन है ना, उनको भी पता है मुझे भी पता है. लेकिन माँ अपनी औलाद को मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं. और आपके बड़ों ने जो आपको चीजें सिखाई भी होती वही हम अपने बच्चों पे भी अप्लाई करते हैं. मेरी मदर लॉ या मेरे ससुराल शायद ये समझते थे कि हम लोग शो बिजनेस, हमारा तो मतलब बैड लक है ना कि हम शो बिजनेस है, हम तो निल लोग हैं, ना खाना बना सकते हैं, ना हम कपड़े धो सकते हैं, ना हम घर की सफाई नहीं करना आता, हम कुछ नहीं करते, हम सबसे ज्यादा करते हैं. हम सबसे ज्यादा परफेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं. और हम सबको इज्जत भी उतनी ही देते हैं क्योंकि हमने हर किरदार जिया हुआ होता है. हमने हर किरदार खुद जिया हुआ है, तो उसकी ऊंच नीच को हम बहुत बेहतर हमें पता होता है. इतना आम लोगों में वो चीज नहीं होती जितनी हमारे अंदर, क्योंकि मैं मतलब जाहिर है जब आप लोग ड्रामे करते हैं आपके पास स्क्रिप्ट आते हैं, तो कह रही हूँ ना, हर किरदार सारे लोगों की जिंदगी जी लेते हैं. तो जब आप वो जिंदगियां जी लेते हैं ना, तो आपको फिर थोड़ा टैकल भी करना आता है कि मैंने इसको इस तरह टैकल करना. बिल्कुल. तो ये आपकी तरबियत माँ के बाद वहाँ पे वहाँ से भी हुई है ना. अब हम इतने पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, घर में आप एक चुड़ैल बन जाए तो लोगों में क्या इम्प्रेशन बनेगा आपका. यहाँ से ना एक बात पे, क्योंकि बात बड़ी प्यारी सी रही की कि माँ की तरबियत. मैंने शायद पहले भी ये आप लोगों से किस्सा जिक्र किया था कि मैं जब सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा के साथ पहली दफ़ा अमेरिका गई, तो आपको पता है अमेरिका और पाकिस्तान की टाइमिंग्स में वो होता है, और नया नया मोबाइल फ़ोन उन दिनों आया था, तो मुझे मोबाइल फ़ोन दे के भेजा गया था. और मैंने उसमें चेक, मैंने कहा था भाई इंटरनेशनल है, इसको बंद नहीं करना. अच्छा, वो एक दिन हमारी अम्मा ने कॉल कर ली, हम सो रहे थे,
अब अम्मी परेशान, यहाँ तो दिन है बाहर रात हो रही है, या इलाही आ तुम यकीन मानो उनकी शुगर लेवल बढ़ गई। ए जी वो कहाँ थी रात को, उसकी आवाज यहाँ सुबह हो रही है और वो सो क्यों रही थी, वो तो कभी दिन की रोशनी देख के सो ही नहीं सकती। सुल्ताना अपन अम्मी को फोन किया, सुरैया वो मेरे साथ रहती है, मेरे कमरे में रहती है, वो कहीं नहीं थी, यहाँ टाइमिंग का डिफरेंस है, आप हम लोग और मैं इतनी हंसू, मेरे को क्या समझेगी मेरी माँ। लेकिन मैं उस वक्त बाद में मुझे सासू, आप जब मैं मीरव को फ़ोन करके, मीरव क्या कर रही है जब बताना, ये सोई नहीं, अच्छा ये जाग रही है, तो मुझे अम्मी याद आती है और मैं कहती हूँ अम्मी आई लव यू। अच्छा कुछ माएँ होती है ना कि जब बेटी की शादी होगी तो जरा थोड़ा ख्याल रखना थोड़ा वो कम कर देती हैं कि हाँ बार बार। मैं तो रोज करती हूँ अपनी बेटी को फोन, शादी के बाद भी ना, शादी के बाद भी मेरे दिन में कम से कम भी 6 दफा कॉल तो करती हैं। और उसमें आप 18 या 20 मैसेजेस भी ऐड कर देना, जो बात अभी मैंने फोन कर पे बात बंद की है ना कि ये कर रही हूँ मम्मी ये हो रहा है, 15 मिनट के बाद मैसेज आएगा क्या हो रहा है अम्मी अभी बताया ना, वो भी तो एक बेटी ना, हाँ ना वो भी तो एक बेटी ना, फिर उनके वॉइस नोट्स भी आते हैं ना, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने बेटे से शायद मैक्सिमम 25 मिनट बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी से घंटा बात कर घंटा ये, सो आई डोंट नो वो। और सिला ये कहती कि मैं डैडी से क्या बात करूं, वो कह रहे हैं और तो मेरी मम्मी के 20-20 मिनट के वॉइस नोट भी तो होते हैं ना, फिर मैंने वो उसको फास्ट फॉरवर्ड पे किया हुआ होता है ना, जो सबसे ज्यादा वो 2 है, पूरी बात मैं सुन लूं, अगर मैंने बात कोई एक भी मिस भी कर दी ना, तेनू दस्या ते सी मैं, एदा मतलब है तू मैसेज नहीं सुनेया मेरा। तो वो फिर मुझे पूरी बात भी सुननी है, अगर मैं कहीं शूट पे भी हूँ वो 20 मिनट का मैसेज भी मुझे पूरा सुनना है ध्यान से कि अम्मी ने बीच में कौन सी बात की है। Exactly. तो ये माए तो फिर ऐसी ही होती है, बड़ी प्यारी छोटी छोटी सी मोमेंट्स होती है एक माँ के लिए, एक बेटी के लिए, सही बात, बेटे के लिए, तो हमें इनको जीना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग अपनी मदर इन लॉज को भी इतना मिस करते हैं और उनके लिए भी ऐसी बात करते हैं, जब साथ रहते हुए ज्यादा साल गुजर जाते हैं ना, और जब वो फिर मदर इन लॉ चली जाती हैं, तो फिर लोग ना, मैंने अक्सर खवातीन को बाकायदा कहते हुए सुना, तो मैं हैरान होती हूँ कि ये रिलेशन कैसे डेवलप करती है, बहुत मिस करती है हकीकत। समीना कल लिटरली ना रो पड़ी करी, यार काश इस वक्त ना फुप्पो होती, उसकी फुप्पो थी, फुप्पो होती ना मेरी जिंदगी की आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो गई होती। तो वाकई सही बात है, मतलब मतलब चलो अपनी माँ के लिए तो बंदा बोलता है, माँ के पेट से पैदा हुआ है, लेकिन कभी कभार मैंने लोगों को अपनी सासों के बारे में कहते हुए सुना है। इवन जब मेरी मदर लॉ की डेथ हो गई और उसके बाद घर हमारा ऐसा हो गया था, हालांकि वो मेरे साथ नहीं रहती थी, जिठाने के साथ, लेकिन खाली सन्नाटा हो जाता था बुजुर्गों के जाने से, हमारे फोन की बेल ही नहीं बजती, उनके लिए लैंड लाइट लगाया हुआ था फोन, क्योंकि उनको मोबाइल नहीं यूज करना आता था, तो कहती थी नहीं मैं उदे ते करूंगी फोन, अच्छा अभी आप इस पे कर ले, कोई बात अच्छा हाँ हाँ की हो रहा है, अच्छा जी ठीक है जी, बस इतनी कोई ऐसी बात की पक्का, अच्छा चल फिर भिजवा दे, बस इतनी सी बात होनी। लेकिन वो चीजें हम लोग 1.5 साल तक उनकी बड़ी मिस करते और आज भी हम लोग मिस करते हैं, बड़ों की अपनी रौनक है, उनकी अपनी रौनक है, और उनकी वजह से लोग जिनके घर में बुजुर्ग रहते हैं, ये अंदाजा मुझे तब हुआ जब मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ रहती थी, तो हमारे घर में बहुत रौनक होती थी, कभी कोई बेटा आ रहा है, कभी कोई बेटी आ रही है, बच्चा आ रहा है, रौनक लगी हुई है, अब हम बुला रहे होते हैं यार आ जाओ किसी तरह, ऐसे यार डिनर कर लेते हैं, यार प्लान कर लेते हैं, वहाँ तो बिन बुलाए मतलब जब होता था अम्मी आ गई, सबको जोड़ के रखती है, सब रौनक ही जोड़ के रखती है, सन्नाटा हो जाता है बुजुर्गों के जाने के बाद। मैं ये कहती हूँ कि ये ब्लेसिंग है जिस भी बच्चे को माँ बाप चुनते हैं ना कि मुझे यहाँ रहना है, ये एक ब्लेसिंग है कि माँ बाप उनके साथ रह रहे हैं, और उनके घरों में मुझे लगता है कि माँ बाप बरकत होती है, बड़ी बहुत बरकत होती है, बहुत बरकत होती है बुजुर्गों के घर में होने, बिल्कुल एक रौनक ब्लेसिंग है ये, बिल्कुल जी बिल्कुल। सो आप कुछ ऐसा करें कि माँ बाप आपको चुने कि आपके साथ रहना है, कि बच्चे अलग अलग जब हो जाते हैं ना, सो एक ब्लेसिंग है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। किसका है नेक्स्ट कार्ड? कपड़ों की ऑल्टरेशन, ये बता के भूल गई। नहीं, कपड़ों की ऑल्टरेशन ऐसे नहीं वो होता, मैं कपड़े अरेंज बहुत अच्छे करती हूँ, अच्छा। मुझे हमेशा से ये भी मेरे ससुराल वालों ने सीखा, क्योंकि हर इवेंट में मुझे ऐसा लगता था कि एक धमाल मचा हुआ होता था, क्योंकि शादियाँ भी बहुत, इतने बड़ी फैमिली है, तो फिर
तो मैं हमेशा हरी को कहती थी, हर ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप अपने सर मियाँ के सर पे खड़े हो जाएं कि जी अब मुझे नया जोड़ा चाहिए, अब मुझे ये चाहिए. तो कैसे मिक्स एंड मैच, जो हम आपके शोज में बहुत दफ़ा करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें भी उन्होंने मेरे से बड़ी देखी. और फिर वो बॉन्डिंग मैंने दिखाई कि मैं जाती हूँ और मैं अपनी जेठानी से कहती हूँ, भाभी मुझे आपके जोड़ा अच्छा लग रहा है पहने, तो वो बड़ी होती सादिया इमाम मेरा जोड़ा पहनेगी. तो जब मैंने ये शुरू किया ना, तो उनमें ये झिझक खत्म हुई. अच्छा सादिया कितनी अच्छी बात है ना, वैसे ही आपस में अगर खानदानों में ये हो कि भाई तुम मेरा दुपट्टा आप दे दे मुझे, दुपट्टा ये मैं अपने जोड़े के साथ चला लूंगी, एक नया जोड़ा बन जो गड्ढा हुआ ना खर्चा. तो आप फिर क्या होता रहेगा कि फिर मैं देखो मेरा मैका बिल्कुल अलग, उनका मैका बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ा हमारा खानदान है. तो हम एक दूसरे के लेके साड़ियाँ अदल बदल कर ली, वो आई उन्होंने ब्लाउजेस बना लिए, साड़ियाँ पहन ली, मैके की शादी है कोई, मैके के है पूरे पूरे कपड़े, साड़ी कपड़े लेके चली गई. तो मैं कहती हूँ ये वाली जो एक चीज है ना कपड़े, ये बहुत लोग इस तरह अपनी ज्वेलरी या कपड़े संभाल कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मुझे मेरी हर इस बात को, जो मेरी जितनी भी जेठानी है ना वो कहती हैं भाई, और नन्दे भी इवन, कि मतलब ये वाहि चीज़ है जो औरत नहीं बांटती अपनी. ये ऐसे जिसके मैं नहीं हूँ, मैं जर्मनी में हूँ, तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जर्मनी, भाभी आप जाएं, जमीला है वहाँ, जवेरिया है वहाँ, अपने कपड़े शेयर कर देती हैं. मैं शेयर करती हूँ, और मैं ऐसे नहीं प्रॉपर ज्वेलरी के साथ शेयर करती हूँ, पूरी पूरी उनकी शादियाँ निकलवा देती हूँ. अच्छा मुझे तो बड़ी तकलीफ हो वैसे आपस की बात है, मैं मुँह पे बोल रही हूँ, सेंसिटिव. हाँ मैं कहती हूँ ना जूता ना ज्वेलरी ना कपड़े, इवन मेरे बालों की पोनी, मेरा ड्रायर, मेरा आयरन, मतलब मेरे शूट पे भी मेरा आयरन मेरे साथ होता है. मैं मेकअप आर्टिस्ट का भी आयरन यूज नहीं करती, वो चले एक अलग चीज है, लेकिन मैं अपने कपड़े मुझसे कोई मांगे ना तो मुझे ना तकलीफ हो जाती है. नहीं मैं कहती हूँ भाई अब मैं मना कैसे करूँ, मैं देने तो मैंने है नहीं, तो फिर मैं कोई ना कोई बहाना कर देती हूँ. अच्छा पता है जैसे हर किसी के अंदर चेंज होता है, शायद मैं पहले बहुत पर्टिकुलर थी कि नहीं, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर मुझसे कोई ले या लेते हैं तो मुझे आई डोंट नो, शायद ये चीजें आपके इसके जिंदगी के साथ साथ चेंज हो, इसके साथ तुम्हारे पास बहन शायद इसलिए भी हमें ना बहनों से, बहनों में नहीं आज तक तुम फौजियाबाजी, तुम्हारे पास बहन नहीं है, तुम्हारी आदत कभी डेवलप नहीं. तो हम क्या करते हैं कि अब फौजिया, अब लमा की शादी है, फौजिया जी को कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या पहना, लेकिन उनके कपड़े रेडी है, उनकी साड़ियाँ रेडी है, उनकी चीजें रेडी है, इवन उनकी बहुओं तक की चीजें हमने रेडी करके रखी है. अच्छा ये यहाँ से निकल आई, ये कर दिया, ये हो गया, बेफिक्र है, क्योंकि आप हर बार आपका वो बजट नहीं होता, आप और हर औरत का दिल चाहता है कि वो ये शादी में इसमें कुछ नया पहनूं. तो अच्छा और रिपीट ना करूं. जब सासें जाहिर है वो ऑब्जर्वेंट होती है, उन्होंने एक उम्र गुजारी होती है, और वो जब देख रही होती है ना कि ये मेरी बहू खर्चा करने में सलीकाशार है, कि मेरे बेटे के पैसे नहीं, क्योंकि बेटे के पैसे खर्च होते तो उनके बहुत, उनको शायद उनके मियाँ के पैसे खर्च होते, कितने खर्च हो गए, लेकिन जब उनके बेटे के पैसे खर्च हो रहे होते हैं ना, और अगर वो बच रहे होते हैं तो उनको उनके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बहू ने देखो ये दुपट्टा और ये रिपीट कर लिया, रिपीट किया, ये सलीका है इसका. मैंने ये भी नोट किया है, मेरी ये भी ऑब्जर्वेशन है कि घर में जो तेल है अगर बहू ने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, सो बुजुर्ग जो ना चाहे आपके पास अल्लाह ने कितना भी दिया हो, वो थोड़े से अंदर से कंजूस होता है. तो उनको ये होता है कि मेरा तेल कम इस्तेमाल हो रहा है, या देखो ये बहू कितने सलीके से दोबारा रीयूज कर लेती है इसको, ये दोबारा संभाल लेती है. सो ये भी बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर कायम होता है. और अब क्योंकि मेरे पास सारी नंदे बड़ी हैं, तो मुझे बहुत सोच समझ के चीजों को लेके मैं चलती हूँ. जो किफायत चाह रही है बहू की, उससे सासे बड़ी इम्प्रेस होती है. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज ये लोग बता रहे हैं कि इनकी कौन सी ऐसी तरबियत में चीज़ थी जिसकी वजह से इनको ससुराल में वाह वाह सुनने को मिली, सराहा गया. सो अब देखते हैं कि किसकी बारी है. हाँ भाई कपड़े धोना जी, क्या क्या कपड़े ना कोई यकीन नहीं करेगा. और मैं जैसे जिस हुलिये में होती हूँ कोई यकीन देखने वाले कर ही ना ले, जजमेंटल होते. मैं यही कहती हूँ कपड़े मैं धोती हूँ, मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है, ऐसी बात नहीं है कि मैं हाथ रगड़ रही होती है कुछ भी. और घर के जितने कपड़े होते हैं वो मैं खुद धोती हूँ, टॉवल्स, बेडशीट्स, इवन कंबल,
घर के जितने लोग हैं सबके। ये तो बहुत आसान है, मैंने समझा तुम हाथ से धोती हो। नहीं नहीं नहीं, ऑटोमेटिक मशीन में भी, मेरे भी घर में है, मैं तो नहीं धोती, सब कुछ है ना। नहीं नहीं, मशीन में धोती हूँ। नादिया खान आई थी उस दिन, नादिया खान कह रही है मैंने अपने नए घर में पूरी कमरा बनवाया है मशीन के लिए, कपड़े ड्रायर और मुझे बड़ा और मजा आता है, खुद करते हैं उस मशीन में कपड़े, थेरेपी है कपड़े धोना, मजा आता है। लेकिन धोना जो एक जगह से निकालो एक जगह डालो, कपड़े धोना भी जो है ना वो भी एक आर्ट है। हर कोई बंदा मशीन के अंदर कपड़े नहीं धो सकता, मिक्स कर देते क्योंकि वो भी सीखना होता है। जैसे मेरी माँ ने सिखाया, वही वाली बात होगी कि माँ ने सिखाया है तो आज पता है कि कलर्स अलग अलग करने होते हैं, टॉवल्स अलग करने हैं, प्रिंटेड अलग करने हैं, कलर्स भी देखने होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन सा कच्चा कलर है, रंग कोई रंग छोड़ रहा है कलर ना, स्पेशली ये चीज तो लाजमी देखनी होती है, कोई एक भी ऐसा डल गया बाकी सारे कपड़ों पे कलर आ जाता है, तो वो सारी चीजें देखना। ये भी कोई आसान काम नहीं कपड़े धोना, बिल्कुल। अच्छा फिर कपड़े धोने के बाद फिर मैं कपड़े इस्त्री भी करती हूँ, बेड कवर्स को छोड़ के, बड़ा खुश होता है बेड कवर्स को छोड़ के, कपड़े मैं इस्त्री भी करती हूँ, इस्त्री करके मैं हैंग भी करती हूँ, ठीक है, और फिर उनको अलमारी में भी लगाती हूँ। ये सारी चीजें भाई जहर लगता है, नहीं बड़ा जरूरी, नहीं नहीं मैं भी करती हूँ, क्योंकि जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि इतने दिनों के बाद मैं जाती हूँ तो फिर मैं अदनान की सारी शर्ट्स को अच्छा सा वॉश करके और जबरदस्त किस्म की इस्त्री करके हैंगर करके सब कर आती हूँ। अच्छा वो मेरी जिस जिस से चढ़ता है जो ये नहीं करती है, मैं बेडशीट तक इस्त्री करती हूँ, मेरा मसला मेरी बेडशीट पे एक क्रिस्टल वो एक है, लेकिन मजा आता है मुझे तो मजा आता है, क्योंकि मैंने बचपन में वो वाले कपड़े धोए जो आप कह रही हैं ना रगड़ने वाला, मेरी अम्मा ने मुझसे वो वाले कपड़े धुलवाए जब टीन की बाल्टी और वो जो लोहे की बाल्टी में ना भाई छत पे पहुंचाता था और फिर छाड़े में छिड़क छिड़क के, मेरा अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है भाई बहुत बड़ा है, अच्छा एक तरफ से तुम पकड़ो एक तरफ से पकड़ो, तो बहुत छिड़क के उसको बड़ा मिस करती हूं हमारे, वो मैंने बहुत काम किया है। उन्हें जो थापी होती जिससे मारते थे कपड़े को हमारी डंडे से, यार उसकी आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, उसको बड़ा मिस करती हूं, पता नहीं क्यों मुझे वो चीजें ये पंजाब साइड में जरा पसंद है भैया, अच्छा लगता था वो जिस तरीके से वो करती थी ना यूं करके ऊपर से मारना कपड़े को। अब मैं सोचती हूँ यार आजकल के कपड़े तो फट जाएंगे, वो दो ही डंडे लगेंगे तो दो दो, और वो पहली वाली मशीन में जैसे मैं अपनी नानू को देखती थी हमेशा, मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं उनके किचन में भी उनके साथ साथ होती थी, तो मेरी नानू जो कपड़े जब धो रही होती थी ना मशीन में तो मैं उनको देती थी, वो पहले साबुन काट रही होती थी, छुरी से साबुन को काटती थी जैसे हम सब्जी काटते हैं आलू काटते हैं, वो पिघलाते थे, तो मैं हमेशा कहती थी ये क्यों काटते हैं, फिर वो सवैया टाइप और ये जो अब लिक्विड्स आ गए हुए हैं और सर्फ आ गए हुए, तो वो उस वक्त मेरी नानो ऐसे कपड़े धोती थी मशीन में साबुन वैसे काट के डालते हैं जमे ना साबुन, तो कितने मजे मजे की चीज भी होती थी कसम से। अभी तो ये है कि मशीन मुझे ड्राई करके भी दे देती है, इतने से वो हल्के से गीले होते हैं कि मेरे कमरे के अंदर ही अगर मुझे थोड़े कपड़े धोने हैं तो एक स्टैंड जो अब घर के अंदर वाले आ गए हैं उन कपड़ों को आप लटकाओ, ऑलमोस्ट वो सूखे हुए ही होते हैं, उसके बाद इस्त्री करके अलमारी में लगा दो बस। हाँ लेकिन मेरे तय करने वाले जो खाने होते हैं अलमारी के वो कोई ना देखे बस, क्यों बस वो करके मैं बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ। एक दिन मुझे कहीं जाना है तो मुझे भी एक निकालना है और सारी अलमारी में चल, हाय हाय, फिर वो तीन दिन मुझे तकलीफ होती रहेगी, अब मैं दोबारा उसको सेट करना पड़ेगा, तय करने पड़ेंगे। इस चीज में मैं बहुत बुरी हूँ, मैं पहले भी आपके शो में बड़ी दफा कह चुकी हूँ, हैंग करने वाले कपड़े इस्त्री वाले धोने वाले ओके, तय करके रखने वाले कपड़ों के मामले में ठीक करके रखती हूँ फिर खराब कर देती हूँ खुद ही वो, क्योंकि जब उस वक्त जाना होता है ना आप जल्दी में सैटिस्फाइड, जब आपकी ये आदत है ना कि मैं अपने हाथ से हर चीज करूँ, सही बात, फिर आप सैटिस्फाई नहीं होते तैयारी में, ये भी कर लूँ वो भी पहनूँ और समझ नहीं आता। तो अब मैंने इसका एक हल निकाला है, मैं कहीं जाना होता है जैसे तीन दिन जाने में दिमाग में बनाना शुरू कर देती हूँ कि मैंने मतलब मैं इमेजिनेशन में चली जाती हूँ कि मैं वहां से निकालूंगी यहाँ से निकालूंगी, ताकि वो जो हम गलबा मचाते हैं ना वो ना हो, इसलिए मुझे फिर और सुस्ती होने लगी जाने में। लेकिन मेरा ये कि चार इनविटेशन आती है जिसमें से मैं एक चूज करती हूँ, और मैं अलमारी खोल के पहले 5 मिनट तो खड़ी होती हूँ देख रही होती हूँ क्या पहनना है, नहीं तुम पहले इमेजिन करने लगो, वो अच्छा करती है मुझे पता नहीं क्यों मैं देखती रहती हूँ। अभी आप इंटरनेट पे भी जाके देखोगे ना तो बहुत सारी आइडियाज मिल जाते हैं आपका, उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपके पास होता है। मैं तो इंटरनेट पे देखती हूँ, अच्छा गरारा पहनने का दिल चाह रहा है, अच्छा इसके साथ क्या पहना हुआ है क्या किया हुआ, ओ अच्छा ये निकालो वो निकालो, तो ये बड़ा एक हेल्प हो जाती है सही बात। चले भाई नेक्स्ट स्लाइड, अचार, अचार? क्या?
अचार डालती हैं। यस और हर सीजन का डालती हैं। हाय अल्लाह, मुझे इतना अच्छा लगता है ना अपने घर का अचार खाते हुए खिलाते हुए। मैंने सुना आपका मुकाबला होता था सास से अचार बनाने का। मेरी मदर इन लॉ के साथ। अरे बाप रे, मेरी अम्मी भी अचार डालती हैं। घर का अचार क्या होता है, मेरी अम्मी क्या डालती थी अचार भाई। बाजार का बिल्कुल भी, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत शौक से डालती थी। अच्छा, तो आपने उनसे सीखा अपनी अम्मी? नहीं, मैंने अपनी अम्मा से। अच्छा, मैं इवन सरसों के साग का भी साग बना लेती हूँ। अभी मैंने जैसे विंटर स्टार्ट हुआ था, मूली गाजर शलजम इसका बनाया। फिर मैं एक जगह शूट कर रही थी तो उनके फलियां लटकी हुई थी सुहाजने की, तो मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा ये मैं तोड़वा लूँ थोड़ी सी अगर मुझे अचार डालना है। उन्होंने कहा हाँ तोड़वा। फिर मैं घर लेकर आई, उनको छीला, फिर अपने हिसाब से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काटे। सब्जी कितनी अच्छी बनी, बहुत मजे की। आई लव इट। अच्छा, तो आप बहुत अच्छे अचार डालते हैं। डालते तो आपकी मदर इन लॉ इम्प्रेस हुई इस बात से? इम्प्रेस तो खैर वो क्या होंगी, वो खुद भी डालती हैं, लेकिन वो जो डालती थी मुझे उनको ज्यादा अप्रिशिएट करना पड़ता था। तो मेरे नहीं, आपको खुद को लगता था कि जो वो अचार डालती हैं उसका टेस्ट मेरे से बेहतर है? ये तो हम आपस की बात कर रहे हैं ना, टेस्ट से भी बढ़कर ये वैसी एक अपने आप में कितनी यूनिक सी बात है कि आजकल की लड़कियों में इतना नहीं होता। जैसे मुझे नहीं है पता कि अचार कैसे डलता है, लेकिन चटनी बनाने का बहुत शौक है। मैं खड़े खड़े 4 से 5 चटनी खड़े खड़े बनाती हूँ, डिफरेंट। ये नहीं कि एक ही को रगड़ा दे रही हूँ, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट। और अचार भी ऐसे ही है। मेरी मदर लॉ मेरा अचार सीखना रह गया। मैं अब जाऊंगी ना लाहौर, मम्मी से कहूंगी। ये यार ये बड़ी अच्छी चीज है, पता आप अपने घर में ये खुद छोटी छोटी सी चीजें, जरूरी नहीं आप बल्क में बनाए, थोड़ा थोड़ा बना, थोड़ा थोड़ा बना। अच्छा, मेरी मम्मी तो उसको मर्तबान बोलती है। नहीं, वो तो जो कैरी जब आएंगी वो तो हम ज्यादा ही बनाते हैं। जैसे सीजनली जो अचार होते हैं ना, जैसे अभी गाजर मूली आए हैं, बड़े फ्रेश आए, पानी के अचार बनते हैं, पानी के अचार तेल में बना ले। मैं तो तेल में भी बनाती, तेल में बनाती मेरी मम्मी, पानी में भी बनाती हूँ तेल, लेकिन वो टेबल पे रखे भी बड़े अच्छे लगते हैं। आप हमारे घर में जब मेरी मम्मी हयात थी, हमारी अम्मी का डाइनिंग टेबल भरा होता था चटनियाँ अचार। तो ये तो मुझे कभी कभार होता था अम्मी की यार खाने रखने की जगह नहीं है, क्योंकि लवाजमात इतने होते थे, और अब जाती हूँ तो खाली होता है, बिल्कुल ऐसे ही। अब कुछ नहीं होता, फिर बहुत मिस करते हैं हम उस दिन शूट कर रहे थे एक जगह पे, तो ऐसे खड़े खड़े वो सीन था जिसमें सब्जियाँ काट रही हूँ, और तो मैंने कहा हाय, मैंने कहा ये मूली जाया जाएगी, खीरा भी जाया जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई दो दो बच्चे। मैंने कहा ठहरे, मैंने कहा आपके पास इसमें सब चीज़ें हैं, पुदीना भी है, ये भी, मैं चटनी बना लूँ? तो मेरे डायरेक्टर कहते हैं अब तुम बना लोगी? मैंने कहा हाँ मैं बना लूँगी। तो मैंने वो जो जिनके घर में हम शूट कर रहे थे, मैंने उनसे कहा जो आप चॉपर या कुछ भी है तो दे दे, मैं चटनी बनाऊँगी। फिर मैंने खड़े खड़े बनाई, वो कहती हम भी खाएँगे। मैंने कहा लें जी आप भी ले लें, और सब क्रू के सब बच्चों ने खाई, बड़ा मज़ा आया। अच्छा है ना, चीज़ें बचती भी हैं। और भाई बहुत सारे लोग जैसे लाइक मेरी मदर इन लॉ से खाना नहीं खाया जाता था एक सर्टेन एज पे, तो वो चटनी और अचार से ही अपना खाना, क्योंकि आपको होता है ना खाने का जायका अच्छा नहीं लग रहा होता, आप बीमार होते हैं चीज़ें, तो बस चटनी और अचार ये हमारे घर में लाजमी था। सही बात। अब बताएं जी नेक्स्ट कार्ड। किसी वक्त भी इंसान खाना खा सकता है, सफाई सुथरा ये तो। हाँ भाई, इसके तो हम भी गवाह हैं। तो जर्मनी में भी बैठी होती थी तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती थी, वो रखी हुई है मेड इसलिए कि वो घर साफ सुथरा करती है। घर बंद नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो वैसे ही लगता है कि आप घर बंद कर देते हैं तो घर में आपकी बरकत आना खत्म हो जाती है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सफाई सुथराई का तो बहुत। और ये इसका ताल्लुक मैं हमेशा कहती हूँ पैसों से नहीं होता, ये आपके मिजाज से होता है, आपके अंदर होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको या किसी को सिखा नहीं सकती, सिखाना इस क्या हमने किसी को टोक के सिखाया होता है, आप अपने आप को रखें। अंदर शौक होता है। बताओ, मैं बहुत सारी सासों को ये कहूंगी इस बात पे सादिया, कि देखो कुछ बहुएं हैं ना उनकी फितरत में ही नहीं है सफाई करना। आप उन्हें कितना भी बोल लेंगी, कितना भी कर लेंगी, वो नहीं करेंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना कहना चाहती कि इसमें ना आप कहे नहीं, कुछ चीजें कर देनी चाहिए। जैसे अब मैं जाती हूँ कहीं, मेरी जिठानी क्या, उन्हें मेरी चीज़ें बहुत, वो कहती हैं तुम्हारा घर हमेशा से माशाल्लाह इतना अच्छा सा, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें, भाभी इस सोफे को ऐसे रख ले, लेकिन ये सेट हो गया, अच्छा भाभी ये एंगल गलत रखा हुआ है ना आपने, इसको ऐसे रख ले, ये वाली तस्वीर इतनी ऊँची नहीं लगती, आप लंबी हैं, आपने ना अपने आई लेवल के हिसाब से तस्वीर को लगानी। मैं खुद ही वहाँ ठोक के कील सेट करके, अरे वाह यार,
तो कुछ चीजें आप कर देंगे ना अगर किसी के यहाँ जाके, तो उसमें ना आप छोटे हो जाएंगे और उसको भी खुशी हो जाएगी। जब अच्छा मैं भाभी अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो वैसे नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने तो घर की शक्ल ही बदल दी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, जब उसमें सोफा हटा या चीजें हटी तो अगला खुद भी थोड़ा सा जाता है कि नहीं भाभी मैं कहा यार एक वो जल्दी से लेकर आओ, रूअर पीछे से फेर दो, साफ सुथरा हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने रिश्तों में तंज करने के बजाय कर दिया करें तो बड़ा। अब सब मेरे घर पर्दे नहीं है, लेकिन उससे पहले वाले घर में पर्दे थे। जब पर्दे उतरे तो फिर मैंने कहा यार ये भाभी आपके उस ड्राइंग रूम में आ जाएंगे, अब भाभी आपके उस लाउंज में आ सकते हैं। मैं किसी को दूं फेंकूं फायदा इतने महंगे बने? हाँ हाँ उनके लिए अच्छी चीज नहीं होगी ना। तो मैं ये कहती हूँ कि रिश्तों की अपनाइयत जो होती है वो इन चीजों से भी आ जाती है। आपने अपनी सफाई सुथराई इस तरह नहीं किसी को देनी कि नहीं आप मुझ जैसी बने। जैसे मेरी नन ने अपने घर की रेनोवेशन की ना, तो वो आती रहती थी घर देखती रहती थी मेरा ना, तो उनको बड़ी अच्छी लगती थी मेरी डेकोरेशन। और मुझे ना वॉल्स पे तस्वीरें लगी हुई बहुत पसंद है, मुझे खाली दीवारें बहुत बुरी लगती हैं। तो मैंने ना मतलब अपनी फैमिली की पिक्चर्स और सीनरीज और ये और वो यू नो मतलब पूरे घर की वॉल्स मैंने भरी हुई होती हैं। तो उनको ना मेरी ये चीजें बहुत पसंद थी ना, तो उन्होंने जब रेनोवेशन की तो उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया कि मुझे आके बताओ प्लीज के क्या चीज कहाँ होनी चाहिए। तो यही सादा वाली बात, खुद ही उन्होंने कहा मैं बुलाऊं किसी को? मैंने कहा सिर्फ मुझे कील और हथौड़ी दे दें बस, और बस आप छोड़ दें। नहीं, फिर उन्होंने एक और बात की कि तुम्हें वो जो बैलेंस करने के लिए एक वो आला होता है वो चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक तस्वीर लगाऊंगी ना मुझे खुद ही समझ आ जाएगी इतने इस लेवल पे इतने इसके ऊपर ये अच्छी लगेगी या इसको इतना ऊंचा होना चाहिए। यू नो मतलब अगर आपका कुछ कॉर्नर खाली भी मुझे बहुत बुरा लगता है, तो आपके कॉर्नर में भी कुछ ना कुछ अच्छी सी चीज होनी चाहिए। तो ये सेंस जो है ना, ये फिर अगर आप आगे शेयर कर रहे हो तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। अपनायत भी तो अपनायत भी। अच्छा कुछ लोग खुद करे कहते हैं हमने तो इंटीरियर डेकोरेशन करवाया ना, इंटीरियर से करवाया है, वो डेकोरेटर आया था हमने इतने लाख दिए हैं उसको। अरे भाई क्यों, जबकि आधे लोगों को पता है कि किया आपने खुद है। सोशल मीडिया ने आपको आसानी दे दी है। सही बात है, इजीली आप गूगल करें और अपना घर से जाने में तो मजा था, मुझे तो दूसरों के घर से जाने में सीरियसली। जी नेक्स्ट, हाँ घर को लेके चलना, घर को घर वालों को लेके, ये तो वही वाली बात है। हाँ वो ऑलमोस्ट यही चीज है कि अपनी हर चीज आप अपने दिल की बात, अपने जो आपने एक नई चीज सीखी है आप आगे शेयर करें, आपको उसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। और हाँ सबको मिलजुल के रहना चाहिए, मुझे ये भी होता है मतलब घर को लेके चलना। आई थिंक इस वक्त जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि मेरी फैमिली में यहाँ हो या वहाँ हो कोई आपस में लड़े ना तो मुझे उलझन होनी शुरू हो जाती है। मतलब लड़ाई किसी की हुई भी है, नाराजगी किसी की है, तो मुझे उलझन हो रही होती है कि यार सुलह होनी जरूरी है ना। अरे मेरा ख्याल है लड़ाइयों में बच्चों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात यहाँ मैं ब्रेक पे जाने से पहले करना चाहूंगी कि ये वाली बात ना घर को लेके चल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कभी किसी गुस्से के आलम में कुछ आपके कान में बात डाल दी, ठीक है ना। अब वो उस वक्त गुस्से के आलम में लेकिन आपके कान में बात आ गई, आप उस बात को पी भी सकते हैं, छुपा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके बारे में की हो उसको जाके लगाएं, जाके लगाओ। आप आग बुझाने वाले बने ना कि आग लगाने वाले। ऑटोमेटिकली सारी सलीका सारी बातें एक तरफ। अगर आप खानदान को जोड़ के रखना चाहते हैं तो बहुत सारी बातों को पीना चाहिए। बिल्कुल। सो वो जो है ना सलीका, आपका खाना पकाना, आपका ये करना वो करना, ये सब धरे के धरा रह जाता है। अगर आपके अंदर ये चुगली लगाने वाली आदत हो वो बड़ा गलत होता है, वो सारी पानी फिर जाएगा। हाँ भाभी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है लेकिन इधर की उधर बहुत करती है, उनका पेट बहुत हल्का, उनसे कुछ ना कहे। सो ये सारी बातों का लबे लबाव ये आज के शो का, कि अगर जोड़ के रखना है घर को तो बातों को गहरा, दिल साफ होना, गहरा हो, सबकी सुने और कोशिश करें पॉजिटिव। मैं कहती हूँ चाहे कोई जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपना जो इनर है ना वो साफ रखे, जले नहीं कि इसके पास ये है तो मेरे पास भी। अरे भाई अल्लाह देने वाला है ना, थोड़ी सी मेहनत जिसको दिया है उस पर खुश रहना, खुश रहना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
कपड़े, जूते, पर्स, ये सब, इन सब पारो, इन सब के बारे में बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है. और इसीलिए इस गुफ्तगू के लिए सिरा असगन मेरे साथ है, सोवेयर्स को लेकर आई है. अस्सलाम वालेकुम. कपड़े मेरा बहुत बहुत ही खास शौक है और जब भी कोई नए कपड़े आते हैं मैं आपको दिखाती हूँ. पर जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं वो सोवेयर्स, वो पुराना ब्रांड नहीं है. इनके 500K फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे. इमेजिन, इतना माशाल्लाह फेमस ब्रांड है. और मैंने इनके कपड़े बहुत दफ़ा पहने, काफ़ी सेलिब्रिटीज ने पहने. सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप इसे ऑर्डर करेंगे www.sowears.net पे जाके. इनके कपड़े, इनकी वैरायटी बहुत अच्छी है. साइजेस अवेलेबल होते हैं फ्रॉम एक्सेस टू स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड डबल एक्सेल. तो मतलब ऐसा होता है ना कि आपको अपना ही साइज नहीं मिलता. अब ऐसा है कि हमारी घर की बड़ी खातून भी, जिनको शौक है बड़े ड्रेसेस पहनने का, वो भी पहन सकती हैं. फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा ढीला पहनना चाहते हैं, कुछ अबाया पहनती हैं, तो उस हवाले से इनके ड्रेसेस बहुत खुले हैं, तो आप वो भी पहन सकते हैं. तो मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ. पहले तो मैं अपना ड्रेस दिखाऊंगी. आई लव द डिजाइन. हाँ, स्मार्ट है. इनकी एक चीज बहुत अच्छी होती है, जो फ्लोरल भी, जो भी डिजाइन होंगे, हर जो है ना चीज का एक डिफरेंट टच है. जैसे कभी इधर होगा, कभी फ्रंट पे हो जाएंगे बटन्स, जो बहुत एक डिफरेंट लुक देगा. आप देख रही हैं यहाँ पे लेस है, यहाँ पे लेस है, ये प्रिंटेड है, बट नीटनेस है. मेरा प्रिंट और ये प्रिंट बहुत फर्क है, बट द ब्रांड इज वन. सो आई लव, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. साइजेस एंड फिटिंग बहुत अच्छी है. आप देखिए, मैंने पहना है तो मैं अपने हिसाब से फिटिंग एडजस्ट कर सकती हूँ. ये है. और मुझे इनकी ड्रेस की बात अच्छी लगती है कि जिप जो है, बैक जिप, वो बहुत लॉन्ग है. तो आपको टेंशन नहीं होगी कि आप फंस फंस के, यहाँ से कभी चिर जाता है ना कपड़ा, जब आप ट्राई कर रहे हो तो जिप छोटी होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा. तो सारे साइजेस अवेलेबल हैं. अब आप देखें इनके प्लेन ड्रेसेस भी हैं. इसका डिजाइन कितना डिफरेंट है, बहुत अच्छा है. मतलब लाइक आराम से वो लोग जो वेस्टर्न नहीं पहनते उनके लिए भी बड़ा अच्छा है. काफी कवर्ड है हर चीज. काफी लड़कियां ऐसे ही ड्रेसेस पहनती हैं. अच्छा, इनकी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, सिर्फ ड्रेसेस पे आके खत्म नहीं होते, इनके कॉर्ड सेट्स भी हैं. आप देख सकती हैं कितना प्यारा बार्बी पिंक है. इन्हें इस तरह के आई लव बार्बी पिंक. आप देख रहे हैं इसका मटेरियल, देखें. तो इनका हर किस्म का मटेरियल है. एम्ब्रॉयडर्ड भी है इनके पास, शिफॉन भी है, एम्ब्रॉयडर्ड भी है. अब आप देखें एक ब्रांड के पास कितनी वैरायटी, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज स्कॉट सेट. और ये कितना खूबसूरत है, बहुत. मतलब इवन यू कैन वेयर इट व्हेन यू गो, और इवन ऑफिस वेयर. मतलब आप ऑफिस में, आपके कोई इवेंट हो या आप नॉर्मली जा रहे हो, जुम्मे का दिन आपने थोड़ा अच्छा होता है ना, स्पेशल डे होता है कि एंड है, तो आप तब पहन सकते हैं. सो आप इसे ऑर्डर करेंगे www.sowears.net पे जाके. मूविंग ऑन, माय फेवरेट मॉमी एंड मिनी. सी यू कैन ट्विन. So, इनके जो बच्चों के कपड़ों के साइजेस हैं वो 2 years से स्टार्ट हो रहे हैं. एंड यू कैन ट्विन विद योर मॉम. अच्छा, कि सारे डिजाइंस में बच्चों के मिल जाते हैं या नहीं? नहीं, देयर स्पेसिफिक, बट यू कैन गो चेक आउट. जैसे ऐसे ड्रेसेस हैं, यू मिनी एंड मी, कोई कोई खास इवेंट है. अगर मेरी बेटी होती तो मैं बर्थडे पे उसके साथ ट्विन करती. सो आई लव द मटेरियल. देखें, इस पे नेट भी यूज हुआ है, एम्ब्रॉयडरी भी है, काम भी हुआ है. एंड वी सी दिस वाइट. ओह, दिस इज सो नाइस. ये कितना बीच फील है. ये तो आप ड्रेस भी बना सकते हैं, तंग पजामे के साथ भी पहन सकते हैं. अगर आप अबाया पहनते हैं तो आप अबाया भी कर सकते हैं. दिस इज एक्सेस, मतलब ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है. सो अगर आप और खुला पहनना चाहते हैं तो आप और बड़ा साइज करवा सकते हैं. निदा, मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आई थी, तो मुझे ऐसा ही ड्रेस चाहिए था और मैंने बहुत एक्सपेंसिव खरीदा. सो व्हाई नॉट, टर्की वर्की से लेते हैं, एग्जैक्टली, ये मिलते हैं. तो आप क्यों नहीं पाकिस्तान में बने हुए ड्रेसेस को जो है ना वो पहने और जो आप प्रमोट करें. अच्छा, ड्रेसेस तो है लेकिन साथ में और भी चीजें देख रही हूं. और क्या बताऊं, आप वापस से ऑर्डर करेंगे इसे www.sowears.net पे जाके. अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं होती. सोवेयर्स की स्पेलिंग भी आप अगर देखनी है तो आप ये ब्रांड, SOWEARS, सोवेयर्स. कपड़े तक कहानी खत्म नहीं होती. हमारे पास हील्स भी हैं, हील्स भी हैं, सैंडल्स भी हैं. ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत हील है. ये कुशन्ड है, आपको तकलीफ नहीं होगी पहन के, बहुत कंफर्टेबल है. इनके डिजाइन्स बड़े बड़े नस्तलीक, एलिगेंट, यस, बारीक. इस तरह चाहूं तो मैं इसके साथ भी पहन सकती हूं. मैं इसके साथ भी पहन सकती हूं. मैं शॉकिंग पिंक के साथ भी इसको पहनूंगी. जूतों में भी सारे साइजेस अवेलेबल हैं. अब आप देखें, मुझे हील का काफी मसला होता है. जैसे कभी आपने लॉन्ग ड्रेस पहना, आपको हील चाहिए, तो बहुत कंफर्टेबल है. इट्स नॉट हैवी, इट्स लाइट. तो आप जब चलेंगे तो आपके पाओं को तकलीफ नहीं होगी. ये आप देख सकते हैं. And I love these ones. ये बहुत क्यूट है ना? ये बहुत क्यूट है. आप इसे ड्रेसेस के साथ, जो लाइक एम्ब्रॉयडर्ड इनके ड्रेसेस हैं, या प्लेन के साथ भी आप पहन लो तो बहुत क्यूट लगता है. बहुत क्यूट सा एक आउटलुक है. बिल्कुल. तो इसे हम यहाँ रखेंगे. अब यहाँ बात खत्म नहीं होती. अब हमने जूते तो पहन लिए, अब बात आती है पर्स की. दे हैव गुड पर्सेज एज वेल.
मुझे इस पर्स की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका जो एडजस्टिंग स्ट्रैप है वो बहुत क्यूट है. सो यू टेक दिस ऑफ और आपने ऐसे लगाया और ये एडजस्ट हो गया. सो इट्स अ वेरी स्टाइलिश एडजस्टिंग स्ट्रैप. बहुत स्टाइलिश है. मैं वही देख रही हूँ कि जो इसकी सारी चीजें हैं वो बड़ी जिसकी भी चॉइस है वो बड़ी अच्छी है. मतलब जो भी डिजाइनर है. अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने शिपिंग करवानी है इंटरनेशनल तो वो भी हो जाएगी. उसमें 5 to 7 वर्किंग डेज लगेंगे. यहाँ अगर शिपिंग होगी तो 4 to 5 डेज लगेंगे. 2 to 3 भी डेज लग सकते हैं. अगर आपने एक्सचेंज कराना है तो विद इन 2 days आपको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा. अगर आपको कोई साइज का किसी चीज का मसला होता है तो आप इसे एक्सचेंज उस हवाले से कराएंगे. आजकल चल रहे हैं इस तरह से. If I do this, ये भी कर सकती है. तो आजकल तो ये बहुत चल रहे हैं ना ये. शोल्डर बैग तो बड़ा इन है. आप मटेरियल एंड चॉइस देखें. इट्स सो लाइक अभी के जमाने का. सो आई लव दिस एज वेल. अच्छा मैं पेमेंट प्रोसीजर्स पे आप लोगों को समझा दूं. सोवर का पेमेंट प्रोसीजर ये है कि आप कैश ऑन डिलीवरी भी करवा सकते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं. डेबिट क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है. इंटरनेशनल जो कस्टमर्स हैं वो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं. एक्सचेंज पॉलिसी मैंने आपको बताई है. विद इन 2 days इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप इन्हें मैसेज करेंगे एंड दे विल रिवर्ट बैक. एंड इनका जो शिपिंग टाइम है जो कि है इंटरनेशनल इट्स 5 to 7 days एंड विद इन कराची एंड पाकिस्तान इट्स 3 to 5 days. अब मैं आपको बताती हूँ ये आप ऑनलाइन तो ले सकते हैं बट जाके कहाँ से ले सकते हैं. सो स्क्वायर वन मॉल जो है वो है मिलेनियम के साथ स्टेडियम रोड पे. उसके सेकंड फ्लोर पे है सो वेयर्स की आउटलेट. और आउटलेट भी है. यस तो ये स्क्वायर वन मॉल के ऊपर ठीक है सेकंड फ्लोर पे इनका आउटलेट है. मैं गई हूँ बहुत दफ़ा गई हूँ मैं. एंड अब अच्छी बात यह है कि 8 मार्च को ये इस्लामाबाद गीगा मॉल में भी इनकी फर्स्ट आउटलेट खुल रही है. अच्छा. सो सिर्फ ऑनलाइन की हद तक नहीं. अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है, बाज लोग ऑनलाइन नहीं ट्रस्ट करते चीज़ों को, तो आप इनकी आउटलेट पे जाएं और ख़रीदें. बाकी इंशाल्लाह आगे भी हम प्रोसीड करेंगे इसको. सो अगर आप ऑनलाइन इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.sowears.net पे जाके और इनके तमाम कपड़े आप ख़रीद सकते हैं. एम्ब्रॉयडर्ड है, शिफॉन है, नेट है, कॉर्ड्स है, प्लेन कपड़े प्रिंटेड है, एवरीथिंग. और वो तो अभी तो ये कम लेकर आई, ज़ाहिर आप पेज पे जाके देखेंगे. और मैंने एक्चुअली इस सोवेयर्स को बहुत सारे इवेंट्स पे पहना है. मैंने इतनी दफ़ा पहना है कि मुझे इनकी फिटिंग बहुत अच्छी लगती है. मेरे पास इनका एक ब्लू ड्रेस था जिनकी ना यहाँ बो थी बड़ी सी, और वो प्लेन ड्रेस बट अ बो हियर, और वो इतना क्यूट लग रहा था. दे हैव सो गुड डिज़ाइन. सो आप इसे ऑर्डर करेंगे www.sowears.net पे जाके. स्क्वायर वन मॉल सेकेंड फ्लोर पे इनकी शॉप है और 8 मार्च को इस्लामाबाद गीगा मॉल में भी खुल रहा है. काफ़ी वैरायटी है. सैंडल्स हैं, कुछ सैंडल्स मैं नहीं ला पाई बिकॉज इतनी जगह भी नहीं होती है. बट हील्स हैं, कुशन हैं, और ये आपको प्लेटफॉर्म हील्स मिल जाएंगी. आपको पर्सेज एंड बैग्स मिल जाएंगे. सब कुछ है इनके पास. तो आप ऑर्डर करें www.sowears.net पे जाके. थैंक यू सिरा, थैंक यू सो मच जी. तो ये था आज का शो. उम्मीद है बिल्कुल अपनायत महसूस हो होगी. आज का शो का टॉपिक ही कुछ ऐसा था. सो दुआ में याद रखिए. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.